मिनट्स और है, वेट कर लेते हैं, उसके बाद विल स्टार्ट। मैंने टेक्स्ट मैसेज का भी यहाँ पर रिमाइंडर डाला था, बट आई थिंक टेक्स्ट मैसेज नहीं गया। सर्विस पुराना लेक्चर देखा क्या आपने पूरा? कोई डाउट वगैरह आया तो पूछ सकते हो जी। क्या बात है, नीतीश आ गए हैं। नीतीश कुमार हैं, तुम अपनी सरकार बनाए पड़े हो। देखो इस बार यूपी में किसकी सरकार बनवाते हैं तुम लोग। यूपी का कोई है इसमें से? यूपी का भी चुनाव पड़ रहा है, इसकी वजह से पूछ रहा हूँ। चलिए वन मोर मिनट देन विल स्टार्ट। देखो मेरा काम है कि एक्यूरेट टाइम पर आना और एक्यूरेट टाइम पर आपको क्या बोलते हैं स्टार्ट करना। तो आप लोग भी एक कल भी मैंने बोला था ये चीज़ को कि टाइम पर आओगे तो आपको ही बेनिफिट पड़ेगा। चलो सैदुल भी आ गए। होप कल के लेक्चर में किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में पूरा पीईबी आपको समझाने की कोशिश कर दी थी कि भाई पीईबी एग्जैक्टली होता क्या है। फिर मैं डिज़ाइन पार्ट पे रोक दिया था, मैंने कहा अभी इस पे नहीं जाएंगे, नहीं तो और हो जाता। तो पहले तो हम लोग उसको देख लेंगे थोड़ा सा बचा है वो, और उसके बाद आज जैसे कि भी हम सब देखते हैं। एक मिनट रुक गया, नहीं तो फिर किसी का छूट जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर आप बीच में कभी लेक्चर में अटेंड करते हो तो हमें पता नहीं रहता कि आपको समझ में आया कि नहीं। सो इसलिए स्टार्टिंग से ही कर लिया करो गाइस, इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखा करो। चलिए कमलेश आ गए हैं। देखो अभी भी कई लोग नहीं अभी तक आए। हमारी टोटल 25 की बैच होती है और 25 लोग हैं, वही की अटेंड नहीं करते, फिर उनके बाद में बोलेंगे समझ में नहीं आया सर। चलो स्टार्ट करते हैं जो भी है। ओके है। तो गाइस कल हम लोगों ने देखा था कि पीईबी के क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है, किस किस तरह से हम लोगों को उसके अंदर सारा इंट्रोडक्शन डीप में समझ लिया था, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं ये भी बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम है पीईबी का वो ये है कि पीईबी के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से, मतलब बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अभी मैं बोलूं कि आरसीसी का बेसिक एलिमेंट बताओ, तुम बोलोगे सर कॉलम है, स्टील है, और रीबार और स्टीरअप्स है, ठीक है, आप बता दोगे टाइज है, ठीक है, आप बताओगे लैपिंग है। आपको आरसीसी के लगभग हर एक एलिमेंट के बारे में पता होता है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि लैपिंग होती है कॉर्नर पे, लैपिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और डेवलपमेंट लेंथ भी आपको पता होता है। मतलब आरसीसी के कई ढेर सारे बेसिक एलिमेंट्स आपको पता है, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ यहीं पर कि भाई स्टील के बेसिक एलिमेंट बताओ, तो जब मैं बात करता हूँ कि स्टील के बेसिक एलिमेंट बताओ तो लोगों को याद नहीं रहता कि स्टील के, क्योंकि पता भी नहीं रहता कि स्टील में कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पीईबी मेंबर्स, ठीक है, जिससे हमें पीईबी देखते ही पहचान जाए अच्छा ये सैगिंग रॉड है, ये क्या है, ये ब्रेसिंग्स लगा हुआ है। मतलब हमें खोजना न पड़े, सोचना न पड़े कि मेंबर कौन सा है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले कल का लेक्चर थोड़ा सा फिनिश करेंगे, फिर हम लोग बेसिक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे लगभग सबने रिकॉल भी किया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने शेयर भी कर दिया था आप सबको ग्रुप में। जिसको नहीं मिला है प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था कल। यहां से हम लोग को पढ़ना था, आप सबको याद होगा हम लोग यहां तक कोर्स देखते थे, उसके मैंने बोला था कि डिजाइन क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए तो भाई सबसे पहले डिजाइन के लिए क्या कौन सा मेथड फॉलो करते हैं,
कल भी हमने इसके बारे में बताया था कि अलाउबल स्ट्रेस डिज़ाइन मेथड हम लोग यूज करते हैं पीईबी के डिज़ाइन के लिए। इसमें हमको सबसे ज़्यादा देखना पड़ता है इसका डिफ्लेक्शन, तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द डिफ्लेक्शंस विल गो टू, इसके अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, इसके बारे में अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा जब डिजाइनिंग का पार्ट स्टार्ट होगा, तो डिफ्लेक्शन में क्या क्या क्राइटेरिया होती हैं ये भी समझाऊंगा। प्राइमरी फ्रेमिंग्स क्या क्या होती हैं कल थोड़ा बताया भी था, और आगे भी इसका डिजाइनिंग जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पर मैं प्राइमरी फ्रेमिंग्स जो अपने कॉलम है और राफ्टर, कल बताया था मैंने कॉलम और राफ्टर अपने क्या होते हैं वो प्राइमरी फ्रेमिंग्स होते हैं, उनके मोमेंट्स को देख के हमें, कल स्टार्टिंग में ही मैंने समझाया था ये चीज़, अगर आपको याद हो तो बताया था मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स, जहाँ मोमेंट ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा मटेरियल, जहाँ मोमेंट कम वहाँ पर कम मटेरियल, तो वही है प्राइमरी फ्रेमिंग्स। बाकी मैंने सेकेंडरी फ्रेमिंग भी बताया था आपको, जो पर्लिन वगैरह थी, जेड सेक्शन, सी सेक्शन। बाकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि भाई विंड लोड कितना इफेक्ट कर रहा है हमारी ब्रेसिंग्स को। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में क्या देखना पड़ता है, तो ये हमारा टॉपिक है। तो आप सब में से कुछ लोगों ने स्टैट प्रो पढ़ा होगा, मैं ये मानता हूँ, ठीक है, नहीं भी पढ़ा है तो भी स्टैट प्रो में कैसे डिज़ाइन की जाती है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, डिटरमिनेशन ऑफ डायमेंशंस एंड सेलेक्शंस ऑफ क्रॉस सेक्शंस। हम लोग कुछ भी डिज़ाइन करने से पहले आरसीसी का एग्जांपल लूँगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आरसीसी का पहले हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर कॉलम दे दें 450 बाई 450 का, या फिर हम लोग साइज दे देते हैं कि 230 बाई 400 और 230 बाई 300, एक डिफरेंट डिफरेंट साइजेस दे देते हैं, तो वो क्या होता है हमारा एज्यूम डायमेंशन होता है। सेम उसी तरीके से स्टील के अंदर भी एज्यूम डायमेंशन हमें देना पड़ता है। तो एज्यूम डायमेंशन हमने सपोज एक्स वाई जेड कुछ भी दे दिया, लेकिन उस टाइम पर ये भी देखते हैं स्ट्रक्चरल कंडीशंस एंड क्रॉस सेक्शन, मतलब एक अंदाज लगाते हैं कि इतना एमएम अगर हमने स्टील प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर तो ये कॉलम फेल नहीं करेगा, और इस राफ्टर पे इतना स्टील प्रोवाइड कर दिया तो फेल नहीं करेगा। दिस इज जस्ट एजम्पशन, एज्यूम किया जाता है, ठीक है। इसको और आसान से अगर बताऊं तो जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक है, अभी मैं चाय बना के पी रहा था, तो जब चाय बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, शक्कर डालते हैं, शक्कर डालने के बाद एक एजम्पशन के साथ शक्कर डालते हैं ना कि चल भाई दो चम्मच डाल देते हैं, दो चम्मच डालने के बाद हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं चाय को कि मीठी है क्या, लगभग लगभग जो रेगुलर बनाते हैं उनका तो अंदाज रहता है, वो सही गेस कर लेते हैं, लेकिन अगर सही गेस नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कम है फिर से ऐड करते हैं। सेम पीवी में किया जाता है, पहले एक सेक्शन को एज्यूम कर लो स्ट्रक्चरल कंडीशन को देखते हुए, फिर उसकी एनालिसिस कर लो। अब एनालिसिस के लिए मैंने कल भी बताया था स्टैट प्रो, ई टेप्स, टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर, और भी बहुत से मार्केट में सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर लो। तो हमने सपोज स्टैट प्रो पे स्ट्रक्चर की एनालिसिस की, अब क्या करना पड़ता है भाई, इसके बाद सेलेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन टू सेटिस्फाई द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स। हमें ये देखना पड़ता है कि भाई इस फ्रेम के लिए क्या विंड चेक करना है क्या, आप लोग ये सर विंड तो चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है सेलेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शंस टू सेटिस्फाई द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स। जो भी रिक्वायरमेंट्स है लोड की, जो जो रिक्वायरमेंट्स है कि भाई इतना लोड आएगा ये सेक्शन पे, इतना लोड आएगा, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ओके, डज द डिज़ाइन वायलेशंस द इनिशियल एजम्पशंस, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं डिज़ाइन के लिए तैयारी करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कोई अगर प्रॉब्लम नहीं आया तो हम लोग इस ग्राफ में आ जाते हैं नो, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, स्टील डिज़ाइन हो जाता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्ट्रक्चर फेल कर जाता है, क्या हो जाता है, वायलेट हो जाता है, तो फिर क्या करना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से प्रोसेस स्टार्ट, क्या जो साइज एज्यूम किए थे अब उससे हाई साइज लो, हाई साइज ले क्यों लेंगे, क्योंकि भाई पुराना वाला फेल हो गया, तब उससे ज़्यादा हाई साइज लेंगे, हाई साइज लेने के बाद फिर आए यहाँ पर एनालिसिस किया, और उसके बाद फिर प्रोसेस वगैरह विंड एनालिसिस वगैरह प्रोवाइड किया, देखा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम तो स्टील डिज़ाइन कर दो, डन। मान लो प्रॉब्लम आ गया, कोई बात नहीं, यस हो गया तो फिर से प्रोसेस स्टार्ट करो। ये बात आपको अगर नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। किसी भी स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले यही चीज़ किया जाता है,
एक टर्म्स ले लिया जाता है कि भाई ये टर्म इसको पास कर देगा, ऐसा अजम्पशन किया जाता है। फिर उसकी एनालिसिस की जाती है, फिर जो जो भी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स होती है वो सब प्रोवाइड किया जाता है और देखा जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो स्टील डिज़ाइन हो जाती है, अगर है तो भाई फिर से उसको साइज को बढ़ाया जाता है। तो जिसने भी स्टैट प्रोग्रेस सीखा होगा उन्होंने ये प्रोसेस किया होगा। मान लो हमने 230 बाई 230 का कॉलम प्रोवाइड कर दिया, फिर बाद में पता चला हमारा कॉलम फेल कर गया, तो क्या करते थे हम लोग, फिर से बैक आते थे, कॉलम का साइज दूसरा एज्यूम करते थे, फिर से प्रोसेस करते थे, फिर चेक करते थे। तो भाई ये स्टेप आप सबको क्लियर होना चाहिए, और मैसेज करके मुझे बता दो ये क्लियर हुआ कि नहीं है टॉपिक्स, ये वाला स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ, यस नो बता दो, सो दैट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। यस ओके जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पे फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ। तो स्टील में आपको सबसे ज़्यादा RCC में तो क्या होता है कि एक बार एज्यूम कर लिया तो मैक्सिमम चांस होता है कि एक दो बार में पास हो जाता है। बस स्टील में क्या होता है, अभी कई लोग, कई तो मेरे स्टूडेंट ही हैं इसमें, तो उन्होंने देखा होगा जब मैंने टावर वगैरह डिज़ाइन किया होगा तो एक पाइप फेल कर रही है, कोई बात नहीं फिर से जाते हैं पास करने फिर से, ठीक है। हाँ जी ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो देखो गाइस, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी किसी भी, चलो मैं चाय से एग्जांपल लूँ, चाय में मैंने शुगर ऐड किया और ऐड करने के बाद हमने उबलने के लिए रख दिया चाय को, मतलब स्ट्रक्चर की एनालिसिस करने लगे, चाय उबल रही है, बाद में देखा कि उसमें अदरक वगैरह डालना है, इलायची वगैरह डालना है, मैंने डाल दिया, स्ट्रक्चर में विंड एनालिसिस वगैरह डाल दिया हमने, ठीक है। फिर देखा चाय को टेस्ट करके, यहाँ पर देख रहे हैं डज द डिज़ाइन वॉयलेट द इनिशियल एजम्पशन, टेस्ट करके देखा कि क्या सही है क्या, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं नो, तो डन, चाय को छान के पी लो, मतलब स्टील डिज़ाइन हो गया। इन केस आपको यहाँ पर पता चला कि यार इसमें चीनी कम है, कोई बात नहीं, यस आ गया ना, फिर से जाओ चीनी ऐड करो, फिर से उबालो, फिर से चेक करो, फिर पता चला सही है क्या, अगर सही है तो छान के दे दो, नहीं सही है तो फिर से थोड़ा सा अदरक, मान लो अगर कम इस बार हो गया तो अदरक बढ़ा दो, अदरक बढ़ा के फिर से ट्राई कर लो। तो इस तरह से जब सारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर दोगे तब जाके आपका मेंबर पास हो जाएगा। शुभम, होप क्लियर हो गया होगा गाइस। चलिए, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई चीज बहुत मजबूत बनानी है, आपके माइंड में बस एक चीज दे दूं, कोई चीज बहुत मजबूत बनानी है, बिलीव करो आप बना लोगे, लेकिन कभी भी केवल बहुत मजबूत ही प्रायोरिटी नहीं दी जाती है कोई चीज में। मान लो स्ट्रेंथ बहुत दे दिया तुमने, ठीक है, लेकिन सर्विसबिलिटी नहीं है उसमें। सर्विसबिलिटी मतलब क्या होता है गाइस, सर्विसबिलिटी मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सर्विसबिलिटी, कमेंट करके बताओ। नीतीश, सुशांत, शुभम, सर्वेश, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्विसबिलिटी, राहुल बताओ, नहीं गलत बताओ, मैं सही तुम्हें करने के लिए इधर आया ही हूं ना, सर्विसबिलिटी। कभी भी कोई भी इंसान स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है बट सर्विसबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाया तो लाइफ स्पैन, ओके, इनका सुमन का कहना है कि लाइफ स्पैन, ओके जी। चलिए, सैदुल बोल रहे हैं कि जिस काम के लिए बनाया गया है वो काम पूरा करने के लिए थ्रू आउट डिजाइन लाइफ, करेक्ट, वेरी गुड, क्वालिटी टू प्रोवाइड गुड सर्विस, ये भी सही है दिव्या, वेरी गुड, ठीक है। दिव्या, कल तुम्हारा फ्रेंड ज्वाइन नहीं कर पाया था सर्विस, आज कर लिया देखो। हाँ जी सर्विस, तुमने नहीं बताया आंसर यार, ठीक है, कोशिश किया करो कि क्लासेस में इन्वॉल्व रहोगे तो आपको मजा आएगा। चलो मैं बताता हूँ, लगभग लगभग सबने सही बताया है, बट गाइस सर्विसबिलिटी का एक्चुअल मीनिंग होता है कि जिस चीज के लिए बनाया जा रहा है उस चीज की सर्विस को प्रोवाइड करना, ठीक है। अब सपोज कल को मैंने एक बाथरूम बहुत अच्छा सा डिजाइन कर दिया, क्या डिजाइन कर दिया मैंने, बाथरूम बहुत अच्छा सा डिजाइन कर दिया, ऐसा स्ट्रेंथ दिया कि मतलब हमारा 5-6 पुश्त उसमें बैठ जाएगा फिर भी खराब नहीं होगा बाथरूम, ठीक है। लेकिन उस बाथरूम का मैंने साइज दे दिया 1.5 फीट बाई 3 फीट, मतलब 1.5 फीट बाई 3 फीट, अब बताओ वो किसी काम का रहा क्या, ठीक है, वो अपनी सर्विस को दे ही नहीं पाया, क्योंकि
कितना भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दो किसी काम का नहीं है। एक किचन आपने डिजाइन किया 2 फीट बाई 8 फीट, बड़ी मजबूती दे दिया उसके अंदर, मतलब ये स्ट्रेंथ वाला गोला तो पूरा भर दिया, लेकिन 2 फीट बाई 8 फीट से क्या होगा, सर्विसबिलिटी से वो बाहर चला गया, वो सर्विस ही नहीं दे पाएगा। कैसे खड़े होगे, कैसे आप बनाओगे खाना वहां पे, ठीक है। तो सर्विसबिलिटी का मतलब है जिस चीज के लिए बनाया गया है उस चीज के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, तो आपको स्ट्रक्चर को डिजाइन करते टाइम कंडीशन अंडर विच द बिल्डिंग इज स्टिल कंसिडर्ड यूजफुल, वेरी गुड। तो मतलब आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, सर्विसबिलिटी भी चाहिए, ठीक है। वैसे अगर सही बात देखा जाए तो कोई भी डिजाइनर होगा वो ये दोनों काम कर सकता है, क्या स्ट्रेंथ भी खूब अच्छे से दे सकता है और सर्विसबिलिटी भी। मैंने मान लो मेरा एक रूम है 10 बाई 10 फीट का, कितने का है 10 बाई 10 फीट का, और उसमें मैंने 1 फीट 1 फीट का कॉलम दे दिया 4, ठीक है, क्या दिक्कत है, हो तो गया ना, स्ट्रेंथ तो मिल गया और वो सर्विस भी प्रोवाइड कर देगा। लेकिन फिर आपकी क्या जरूरत थी, मतलब एक स्ट्रक्चर इंजीनियर की क्या जरूरत थी, आपने 1 भी रुपये तो बचाया ही नहीं उसमें। तो आप बोलोगे सर रुपये नहीं बचाया, मतलब आपने इकोनॉमी पे ध्यान ही नहीं दिया, सामने वाले का बजट नहीं देखा कि कितने कम बजट में कितना बेहतर काम हो सकता है, ठीक है जी। आप लोग के यहाँ घर में कोई भी काम होता होगा तो जिस काम में जो एक्सपर्ट होगा होगा उसी को बोला जाता होगा कि भाई तुम इस काम को करके दिखाओ, क्यों, क्योंकि इकोनॉमी कंडीशन बनती है, ठीक है। अभी हम लोग रेगुलर, मैं तो प्लान बनाता हूँ, कल भी बनाया, आज भी बनाया, परसों ही बनाया, तो हम लोग प्लान बनाते हैं, तो मेरे से प्लान क्यों बनवाते हैं, जितने मेरे रिलेटिव हैं या फिर जितने मेरे क्लाइंट हैं, मुझे क्यों देते हैं, इसलिए क्योंकि जब मैं उनको बनाऊंगा तो सबसे पहली चीज मैं स्ट्रेंथ पे फोकस करूंगा, दूसरी चीज मैं सर्विसबिलिटी भी उनको दूंगा, और तीसरी चीज ऑप्टिमल डिजाइन के लिए अच्छा इकोनॉमी, मतलब इस बजट में उनको घर दे दूंगा कि वो बनवा सके, ठीक है। तो जब आप इन तीनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं, इकोनॉमी, सर्विसबिलिटी और स्ट्रेंथ को, तो 110% आप ऑप्टिमल डिजाइन कर पाएंगे, मतलब बेहतरीन डिजाइन कर पाएंगे किसी भी स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो बस ये तीन चीज याद रखिएगा, स्ट्रेंथ, सर्विसबिलिटी, इकोनॉमी, ठीक है। एक और होता है ड्यूरेबिलिटी, बट उसके अंदर आ जाता है क्योंकि अगर स्ट्रेंथ दे दिया तो ड्यूरेबिलिटी तो अपने आप आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यही समझना होता है। अब भाई साहब आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए एयरपोर्ट हैंगर्स वगैरह हैं, इनमें बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स यूज हुए हैं। देखिए जेसीबी का है तो इनका भी अपना अलग अलग एलिमेंट्स यूज हुआ है, ये वॉल क्लैडिंग्स यूज हुई है, ठीक है, ऐसे बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स हैं। अगर ये आरसीसी का होता तो आपको टाइम नहीं लगता, आप बता देते कि सर ये रेलिंग है, सर ये है, ये है, ये है, ठीक है। बट स्टील में आपको प्रॉब्लम जा रही है कि आप बोलोगे सर ये क्या है, स्लैब स्पैन है क्या, ये कर्न, ये एज है क्या, तो मतलब स्टील स्ट्रक्चर में आपको, आप देखिए नई बिल्डिंग्स में आपने देखा तो ये यहाँ पर ग्लासेस लगा हुआ है, तो ये मेंबर्स क्यों लगाए गए हैं, ऐसे यहाँ पर ये देख रहे हो ये क्या है, ठीक है। तो मतलब बहुत सी चीजों में आप फंस रहे होगे कि यार यहाँ पर इस तरीके से क्यों बनाया गया है, या फिर यहाँ पर ये जो इस तरीके से शेप दिया गया है क्यों दिया गया है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको, ये फैकेट्स क्यों दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजों का सोल्यूशन अभी मैं आपको दे देता हूँ। स्टेडियम में जो जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं, कौन कौन से ट्रसेस यूज हुए हैं, इनका भी डिस्कशन अभी करता हूँ। चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है, आप सब गए होंगे, मैं गया हूँ, बड़ा अच्छा बना हुआ है, और इस तरीके के अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो इन एलिमेंट्स में क्या क्या यूज हुआ है इसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा कंक्लूजन देख लो इस पीपीटी का ओवरऑल। तो भाई सबसे पहला फायदा ये है कि यूजिंग ऑफ पीईबी इंस्टेंट ऑफ सीएसबी मे बी रिड्यूसिंग द स्टील क्वांटिटी। चलिए थोड़ा सा टेस्ट एक बार फिर से ले लेता हूँ। सीएसबी का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर लिखा हो सीएसबी, फुल फॉर्म बता दो कोई, अगर सही से पढ़ा होगा तो याद ही हो गया होगा। सीएसबी का फुल फॉर्म बता दो, पीबी का तो याद ही होगा, कमेंट करो। रिडक्शन इन स्टील क्वांटिटीज डेफिनेटली रिड्यूसिंग द डेड लोड कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग्स, वेरी गुड। मतलब आप लोग फोकस के साथ देख रहे हो, वेरी गुड। यूजिंग ऑफ पीबी इंक्रीज द एस्थेटिक व्यू ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है ये स्टेडियम, क्या फेबुलस लग रहा है, ठीक है। ऐसा तो आप लोग अगर आरसीसी का भी बनाते हो तो घर नहीं दिखता, और ये एयरपोर्ट देखोगे ना तो, मैंने एयरपोर्ट तो बहुत देखे हैं, मुंबई का एयरपोर्ट देखा है, इंटरनेशनल भी देखा है, डोमेस्टिक भी देखा है,
चंडीगढ़ का एयरपोर्ट आप देखने के बाद आपको लगेगा कुछ अलग ही बना है, ठीक है, मतलब एक से बढ़ के एक मेंबर्स उसमें लगे हुए हैं। ये एयरपोर्ट हैंगर्स भी बहुत अच्छे अच्छे देख लो आपके सामने बने हैं, तो मतलब एस्थेटिक व्यू को फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट ये। और रिडक्शन ऑफ डेड लोड, रिड्यूसिंग द साइज, ठीक है, डेफिनेटली इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, इसी में तो आपका असली बचत है। डेड लोड कम हुआ तो स्टील कम यूज होगा, स्टील कम यूज होगा तो आप प्रोजेक्ट का पैसा बचाओगे और आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। खत्म जी, चलिए धन्यवाद। ओके, तो एक रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार रिकॉल जरूर करिएगा, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो पढ़े हैं उसको भूलिएगा मत। अब जो जो मेंबर्स इसमें यूज हो रहे थे बेसिक एलिमेंट्स, वो सब मैं क्लियर कर दूंगा। छोटे छोटे एलिमेंट्स को मैं पूरी एक डिक्शनरी टाइप का बनाया हूँ, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। और नो डाउट मैंने इंटरनेट से ही निकाले हैं, बट बनाया मैंने खुद से सारा कुछ है, ये पूरी पीपीटी मैंने खुद से ही बनाई है। और लेकिन आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इससे रिलेटेड कि यार कौन सी चीज़ें क्या होती है। तो ये हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या है भाई, बेसिक एलिमेंट ऑफ पीईबी। सामने ही देखोगे तो कई ढेर सारी एसेसरीज हैं, ठीक है, जैसे आपके मोबाइल में चार्जर मिलता है, पावर बैंक आप खरीदते हो, यूएसबी केबल्स वगैरह सब कुछ मिलता है, वैसे ही इसके भी कुछ एसेसरीज होती हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री बिल्डिंग प्रोडक्ट सच एज डोर, दरवाजा तो मिलेगा ना भाई, ठीक है, सामने ही रखा हुआ है, विंडो आपको दरवाजे खिड़की भी मिलेगी, स्काईलाइट्स भी मिलेगा, वेंटिलेटर भी मिलेगा, लोअर भी मिलेगा और एलसेट्रा। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये लोअर क्या होता है, वेंटिलेटर क्या होता है, थोड़ा सा इंतजार करो, सब क्लियर हो जाएगा इसमें। चलिए सबसे पहले ये आपको एक चीज दिखा जो बड़े काम की चीज है, इसको बोलते हैं एंकर बोल्ट, ठीक है, एंकर बोल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी ड्राइंग्स स्पेशली आती है, जब सबमिशन ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है तो एक ड्राइंग मिलती है सिर्फ और सिर्फ एंकर बोल्ट की। तो क्या होता है भाई, बोल्ट्स यूज टू एंकर स्ट्रक्चरल मेंबर टू कंक्रीट फ्लोर, फाउंडेशन और अदर सपोर्ट, किसी को भी एक दूसरे से मिलाना है। मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका बेस प्लेट है, बेस प्लेट के साथ आपको अपने कनेक्ट करना पड़ेगा ना अपने स्टील के कॉलम्स को, तो उसके लिए भी हम लोग एंकर बोल्ट ही यूज करेंगे। तो एंकर बोल्ट हमारे बड़े काम की चीज है। यूजली रिफर टू द बोल्ट एट द बॉटम ऑफ द ऑल कॉलम्स एंड अदर डोर जैम्स, दरवाजा वगैरह टाइट कर रहे हो तब वहां पे हेल्प लगेगी, फुटिंग को कॉलम से जोड़ रहे हो तो वहां पर एंकर बोल्ट लगेंगे। तो एक बहुत ही काम की चीज है एंकर बोल्ट। सो आप कहीं पर भी देखिए तो आप समझ जाइए कि ये एलिमेंट मतलब एंकर बोल्ट, दैट्स इट। मैं भी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला कि प्लानिंग्स आपको मिलती है एंकर बोल्ट की। अब ऐसा प्लान मिल गया तो आप बिल्कुल घबराइए मत, यहाँ पर देखिए एंकर बोल्ट्स आपके लगे हुए हैं, इनकी डिटेलिंग्स दी हुई है। तो अब आप इसको देख रहे होंगे तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि अच्छा, जो अभी देखा वही तो है, ये देखो इसमें थ्रेड्स वगैरह बने हैं, ये देखो आपका इसका सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो एंकर बोल्ट्स यही होता है, इसकी पूरी ड्राइंग्स मिलती है। अ प्लेन व्यू ऑफ द बिल्डिंग्स फाउंडेशन शोइंग ऑल डायमेंशन एंड सेक्शंस रिक्वायर्ड टू प्रॉपरली लोकेटेड द एंकर बोर्ड्स, कहाँ कहाँ पर लोकेट करना है उसके इस पे हमें प्रॉपर स्पेसिंग्स मिलती है, ठीक है, उसी स्पेसिंग्स पे ही हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। सब बताऊंगा कि कितना स्पेसिंग्स हमें प्रोवाइड करना है, कैसे पता चलेगा, एवरीथिंग विल डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है जी। तो ये होता है हमारा एंकर बोल्ट, इंक्लूडिंग द प्रोजेक्शंस ऑफ द बोल्ट अबव द कंक्रीट सरफेस रिक्वायर्ड रीसेस एलसेट्रा, कॉलम रिएक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड बेस प्लेट डायमेंशन ऑल्सो इंक्लूडेड। मतलब इस जो ड्राइंग मिलती है, इस ड्राइंग में हमारे पास सब कुछ रहता है कि यहाँ पर कितना मार्जिन छोड़ना है, कितने पर लगाना है, कितना एमएम आगे जाना है, वो सब कुछ। इसको तो लगभग सबने देखा होगा, एंगल सेक्शन बोलते हैं इसको। अ हॉट रोल मेंबर्स विथ टू लेग्स, ठीक है, टू लेग्स मतलब एक इधर से रहेगा और एक इधर से। अब एंगल के भी आपने कई लोगों ने देखा होगा, एंगल सेक्शन सेक्शन में भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मिंग 90 एंगल, 90 के एंगल पे बनाया जाता है। किसी में अनइक्वल एंगल सेक्शन रहेगा तो उसमें ये ज़्यादा रहेगा या फिर ये ज़्यादा रहेगा, इक्वल एंगल सेक्शन रहेगा तो दोनों का सिमिलर रहेगा जो सामने आपके दिख रहा है। तो कभी भी ये आपको दिखा तो आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि भाई ये कुछ और नहीं है, एंगल सेक्शन है, ठीक है। हम आपको पीईबी के हर एलिमेंट से पहचान करवा रहे हैं जिससे कि आपको एलिमेंट्स नए ना लगे। ऐसी ड्राइंग्स आपको दिख जाए कहीं पे तो आप समझ जाइएगा ये अप्रूव ड्राइंग है। क्या है भाई, ये अप्रूव ड्राइंग है।
क्योंकि आपने स्टील की आरसीसी की तो पहचान लेते हो, स्टील की कैसे पहचानोगे, तो ये देख लो भाई। और अप्रूव ड्राइंग किस काम में आता है? ड्राइंग सेंड टू द कस्टमर, डायरेक्ट कस्टमर को आप ये ड्राइंग देते हो, जो भी आपका क्लाइंट है उसको देते हो, टू वेरीफाई डिजाइन एंड डायमेंशन एंड वेरीफाई द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन मटेरियल्स एंड सर्विस द मैन्युफैक्चरिंग हैड एग्रीड फर्निस। ठीक है, जो भी हमारी बात हुई उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हैं क्या? तो अप्रूव ड्राइंग में हर एक डिटेल रहता है कि हमें कितनी चीजें कहाँ कहाँ रखनी है। सर, वेर इज द एंगल सेक्शन इज यूज, क्या बोलते हैं, पीवी स्ट्रक्चर, पीवी में हम लोग यूज करते हैं, जहां पे हमें कंप्रेशन मेंबर की जरूरत पड़ती है वहां पर हम लोग इसको यूज करके सपोर्ट करते हैं, इससे जो ट्रसेस वगैरह बनाते हैं उसमें। ब्रदर, सर ये डिडियोलॉजी मिलेगा? ये नहीं, इसका डिडियोलॉजी नहीं है हमारे पास, बट हमारे पास दूसरी ड्रॉइंग है, टेंशन मत लो, दे देंगे, आगे आएगा तो हम लोग वहां पे देंगे। तो अप्रूव ड्राइंग का मतलब कि सारा ड्राइंग मेरे पास अप्रूव ड्राइंग है, टेंशन मत लो, मैं दूंगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके की ड्राइंग आ जाए तो आपको तुरंत पहचान लेना है। कई लोग घबरा जाते हैं कि असेंबली का मतलब क्या होता है, सुना होगा आप लोगों ने असेंबली ड्राइंग्स। ठीक है, तो असेंबली ड्राइंग होता क्या है? कुछ और नहीं, वन और, यहां मैं देखो वन लिखना मैं भूल गया हूं, वन और मोर कंपोनेंट्स बोल्टेड टुगेदर, एक से ज्यादा कंपोनेंट अगर उनको मिला दिया जाए, उनको बोल्ट कर दिया जाए तो वो असेंबली बन जाती है। ठीक है, असेंबली नेताओं की भी होती है, आपको पता ही है, जब एक से अधिक वहां पर विधायक बैठ जाए, एक से अधिक सांसद बैठ जाए तो असेंबली बैठती है ना, वैसे ही ये असेंबली है। इसमें ड्राइंग्स की असेंबली, दो से तीन मेंबर जब जुड़ जाए तो वो असेंबली ड्राइंग्स होती है, जिसको हम लोग तैयार करते हैं। बताऊंगा टेक्ला के अंदर कैसे क्रिएट किया जाता है ये। इसको बोलते हैं बेस एंगल, किसको? ऐसे, ये ऐसे सपोर्ट के लिए यूज होता है, तो ये आपको बोलते हैं बेस एंगल। तो अगर आप किसी ड्राइंग्स में देख रहे हो, खासतौर से जब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स या कॉमर्शियल जो शॉप वगैरह बनाते हैं वहां पर इसको जरूर लगाते हैं, बेस एंगल को, ऐसे ही अलग अलग कलर्स में होते हैं। अ कंटिन्यूअस एंगल फिक्स टू द फ्लोर स्लैब और टू द ग्रेड बीम्स टू इनेबल द अटैचमेंट ऑफ वॉल्स, क्या? टू इनेबल द अटैचमेंट ऑफ वॉल्स, तो ये इसके साथ ही कनेक्ट होता है, ये वॉल पैनल है, इसके साथ ये कनेक्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं गाइस? बेस एंगल। बेस प्लेट सुना होगा आप लोगों ने, वो भी दिखाऊंगा, ये होता है बेस एंगल, याद रखिएगा। चलिए, ये बहुत आपको अगर नहीं पता है बेस स्पेसिंग्स, तो जब आप डिजाइन करने जाओगे तो जहां ही पढ़ोगे वहां पर लिखा रहेगा बेस स्पेसिंग्स इतना है, बेस स्पेसिंग्स इतना है, आप सोचोगे बेस स्पेसिंग्स होता क्या है। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता रहता, और इवन कैसे पता रहेगा जब पीवी बारे में नहीं पढ़ा है हमने तो। हाँ जी, बेस एंगल ये आपका यहां पर है, ये बेस एंगल है। बे बे क्या होता है? द स्पेस बिटवीन, ये बोल रहे हैं कि सर बेस एंगल पर एंगल सेक्शन यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट कंडीशंस अलग-अलग रहती है ना, कि अगर वहां पर हम लोग वॉल यूज कर रहे हैं तो प्रीफर करते हैं कि बेस एंगल, क्या बोलते हैं, हमारा एंगल यूज हो। ठीक है, अगर हम कोई कॉलम्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो एंगल सेक्शन यूज कर लेते हैं वहां पे, तो डिपेंड करता है क्या बना रहे हो। द स्पेस बिटवीन द सेंट्रल लाइंस ऑफ फ्रेम और प्राइमरी सपोर्टिंग मेंबर्स, ध्यान से सुनना भाई, बे फ्रेम, वो बे स्पेसिंग्स बहुत आएगा अभी पढ़ने को हम लोग को। द स्पेस बिटवीन द सेंट्रल लाइंस ऑफ फ्रेम्स और प्राइमरी सपोर्टिंग मेंबर इन द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स ऑल्सो कॉल्ड बे स्पेसिंग्स और बे लेंथ। ठीक है, तो कहीं पे भी लिखा रहे बे लेंथ 7 मीटर, 6 मीटर, या बे स्पेसिंग्स 7 मीटर, तो समझ जाना कि 7 मीटर किसकी बात हो रही है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम्स के बीच की स्पेसिंग्स है होती है, जिसको हम लोग बे स्पेसिंग बे लेंथ बोलते हैं। होप क्लियर हो गया होगा, तो कोई सिमिलर है, मतलब नीचे जो है वही ऊपर भी है, ये यूज करते हैं। ठीक है, ये फीते के टाइप का होता है, इसको बोलते हैं बेड मैस्टिक्स। ठीक है, स्लैब वगैरह जब प्लेस करते हैं तो वहां पर कॉर्नर में लगाया जाता है इसको। ठीक है, और इसके बड़े फायदे भी रहते हैं, ये जैसे टेप का तरह रहता है ये। अ सीलेंट फर्निस्ड इन अ कंटिन्यूअस रोल नॉर्मली यूज फॉर सीलिंग्स इन लैब्स और रूफ पैनल, सी ऑल्सो इंड लैब मैस्टिक भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंड लैब मैस्टिक। कहाँ यूज करते हैं? नॉर्मली यूज फॉर सीलिंग्स और इंड लैब्स ऑफ द रूफ पैनल, रूफ पैनल के कॉर्नर्स पे हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये दिखता है तो आप समझ जाना ये कुछ, मतलब नाम नहीं पता रहता है, बस वही याद रखना है, बेड मैस्टिक बोलते हैं इसको।
ठीक है, या फिर इन लैब मैस्टिक भी बोलते हैं। अब आपके सामने दिख रहा है बर्ड स्क्रीन। आप सोचोगे सर ये क्या होता है बर्ड स्क्रीन। देखो पीवी में ऐसे बहुत से मेंबर्स होते हैं जिनके बारे में हमें कॉलेज, हमारा बीटेक में तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये चीजें हमें जानना पड़ता है। वायर मिस यूज, ये देखो यहाँ पर यूज हुआ है, वायर मिस यूज टू प्रिवेंट बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग्स थ्रू वेंटिलेटर्स, ब्लोअर्स एंड रूफ मॉनिटरिंग्स। ठीक है, क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा ऊपर बहुत ढेर सारे अब लोग स्काई लाइट्स यूज करते हैं और साथ ही साथ लोअर्स यूज करते हैं हीट निकालने के लिए, तो कहीं वहां पर इनका एंट्री ना हो जाए भाई साहब लोगों की, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिसिंग्स कर देते हैं जिससे कुछ भी अंदर ना जा सके, चिड़िया से लेके बहुत सी चीजें जो भी ऐसी है जो डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बर्ड स्क्रीन। ये तो देखा होगा ब्लाइंड रिविट, ठीक है, अब इसको बहुत कम यूज करते हैं, पहले बहुत यूज करते थे इसको। स्मॉल हेडेड पिन विद एन एक्सपेंडेबल संक, फॉर संक मतलब ये, ठीक है, संक फॉर ज्वाइनिंग लाइट गेज मेटल यूज कर सकते हैं। हाँ जी, वॉल में यूज कर सकते नहीं बल्कि करते हैं, ठीक है, वो मतलब कहीं पे भी कर दो जिसमें सेफ्टी के लिए करते हैं ना उसको, तो आप बिल्कुल वॉल में भी कर सकते हैं। स्मॉल हेडेड पिन विथ एन एक्सपेंडेबल संक ऑफ ज्वाइनिंग द लाइट गेज मेटल टिपिकली यूज फॉर अटैच फ्लैशिंग्स, गटर्स एक्सेट्रा, ऑल्सो रिफर्ड एज पॉप रिविट। अभी कम यूज करते हैं, पहले इसको ज़्यादा यूज करते थे, बट आपको याद रखना है, ठीक है। इन एग्जाम्पल कोशिश करूंगा, अगर आगे होगा तो मैं दिखा दूंगा, नहीं दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, कहीं पर प्रैक्टिकली लगा रहेगा, ठीक है। तो ये होता है ब्लेंड रेविट्स, ये भी बड़े काम की चीज़ है भाई, ठीक है। क्या ब्रेस रॉड या केबल्स, ठीक है, आपने सुना होगा ब्रेसिंग्स लगा दो, ब्रेसिंग्स लगा दो, कहाँ ब्रेसिंग्स और क्या होता है, ठीक है। रॉड और केबल प्लेस डायगोनली इन द रूफ और वॉल्स फॉर द प्रपोज्ड ऑफ ट्रांसफरिंग विंड लोड टू द फाउंडेशन एंड लॉन्ग टर्नल स्टेबलाइजिंग्स द बिल्डिंग्स। वैसे तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बट आप बताओ कि कैसे ये लोड ट्रांसफर कर पाता होगा, लोड ट्रांसफर करने में कैसे हेल्प करता होगा ब्रेसिंग, बताओ। ब्रेसिंग्स लोड ट्रांसफर करने में कैसे हेल्प करता होगा, यहाँ पर लिखा भी है, मुझे ब्लैंक कर देना था बट लिखा, ये तो मैं क्या कर सकता हूँ, विंड लोड को ट्रांसफर करने में कैसे हेल्प करता है ब्रेसिंग्स। एनी आइडिया, कोई बताना चाहेगा, अपनी राय देना चाहेगा, विंड लोड को ट्रांसफर करने में ब्रेसिंग्स कैसे हेल्प कर रहा है। चलिए मैं बता दूं, अच्छा चलिए वह क्या बात है, आंसर आ रहे हैं। तो सैदुल बोल रहे हैं कि पैनल ब्रेसिंग्स का एक मेंबर टेंशन और एंड कंप्रेशन लोड लेकर, वेरी गुड, बाय लेटरल सपोर्ट मे बी, यस ये भी सही है, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी विंड आ रहा है, इधर से कोई विंड्स आ रहे हैं, ठीक है, सपोज जस्ट इमेजिन करो कि इधर पीछे से कोई प्रोवाइडिंग लेटरल स्टेबिलिटी, करेक्ट, अभी सही जा रहे हो, और सही हुआ अभी, क्या पता आगे कैंसर में और सही हो जाए, और दो आंसर, सही सबका है बट एग्जैक्ट आंसर में थोड़ा सा सुमन का सही आया है, ठीक है। चलिए बिलाल बताओ, तुमको यार इतना स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया है, क्या होता है कि अगर यहां पर ये सिंगल पैनल्स होते हैं, ठीक है, ये यहां पर देखो आपके पास ये पैनल्स लगे हुए ना, ठीक है, अब ये सिंगल पैनल्स अगर लगे रहेंगे तो इसमें कोई भी प्रेशर आएगा तो ये क्या कर पाएगा, इस प्रेशर को, ये प्रेशर को सिर्फ अंदर की तरफ ही आने देगा और या फिर रोकने की कोशिश करेगा, बट ये फाउंडेशन में नहीं ले जाने देगा, मतलब ग्राउंड पे नहीं ले जा पाएगा क्योंकि इसका कहीं पर कनेक्शन ही नहीं है नीचे ले जाने का, ठीक है। लेकिन जब इसके साथ यहाँ पर एक ब्रेसिंग्स यूज हो जाती है तो जो इसका इफेक्ट्स होता है वो ट्रांसफर होता है इन ब्रेसिंग्स पे, किस पे, इन ब्रेसिंग्स पे, और ये ब्रेसिंग्स डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं हमारे बेस प्लेट के पास, तो इसे क्या होता है, इजिली हमारा लोड जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पर, फाउंडेशन पे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर के अंदर लेटरल स्टेबिलिटी आ जाती है बहुत अच्छे तरीके से,
इसका एग्जांपल बताऊं क्या, आप लोगों ने देखा होगा टपरी पे बैठे होंगे कई लोग, टपरी की चाय, चाय की दुकानों पे, ठीक है, चाय की दुकानों पे आप लोगों ने बैठा होगा अगर, तो देखा होगा आप लोगों ने वो जो झोपड़ी बनाते हैं उस झोपड़ी के पीछे रॉड लगाते हैं, रॉड मतलब लकड़ी का बांस लगाते हैं, ठीक है, उसको लगाने के बाद ऐसे क्रॉस सेक्शन पे भी लगा देते हैं। उस क्रॉस सेक्शन से फायदा क्या होता है, जब हवा आती है तो उनकी झोपड़ी उड़ती नहीं है, ठीक है, उससे उसकी क्या होती है, लेटरल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी आ जाती है और वो फुटिंग जो होती है वो ग्राउंड में ट्रांसफर कर देती है लोड को, और उनकी झोपड़ी काफी टाइम तक चलती रहती है। पता नहीं आप लोगों ने इस चीज को महसूस किया है कि नहीं। चलिए ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट आपको बहुत से जगहों पर देखने को मिलेगा कि लगा हुआ है बट आप पहचान नहीं पाओगे, तो इसीलिए हम आपकी पहचान करवा रहे हैं ब्रैकेट से। ये देखो यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा हुआ है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द कॉलम और राफ्टर, ठीक है, ये कॉलम के पास भी देख सकते हो, राफ्टर के पास भी देखने को मिलेगा आपको, टू विच अनदर स्ट्रक्चर मेंबर इज फास्टन, एग्जाम्पल ब्रैकेट सपोर्टिंग द क्रेन रनवे बीम्स एक्सेट्रा, ठीक है, कुछ भी आपका इधर से जा रहा है, मान लो अभी हमारे सामने एक बीम जा रही है, हो सकता है ये क्रेन बीम रही हो, ठीक है, तो अभी किस पे, हवा में अटकेगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं, दूसरी भाषा में इसको सपोर्ट्स बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट बोला जाता है, ब्रैकेट मतलब कुछ भी पास कराना है तो ब्रैकेट लगा दो उसके ऊपर से ट्रांसफर कर दो, दैट्स इट। अब में से कई ढेर सारे लोग पीबी में काम कर रहे होंगे, मेरे साथ बहुत से लोग इस बैच में हैं, तो उन लोगों ने ये देखा होगा सामने से अपने ब्रैकेट्स। ब्रिज क्रेन, ब्रिज क्रेन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि देखो क्या होता है कि ये जो पीबी के मेंबर्स हैं ना इतने हैवी हैवी होते हैं कि इसमें कुछ भी फिजिकली रूप से ट्रांसफर करना बहुत ही पॉसिबल, बहुत ही कम पॉसिबल होता है, इसीलिए देखा होगा आप लोगों ने क्रेन यूज होते हैं, प्लस वेयर हाउस के अंदर भी कई ढेर सारे एलिमेंट्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रिज क्रेन यूज करते हैं, और कई ढेर सारे जैसे अगर मारुति सुजुकी वगैरह के आप वो देखोगे जो सर्विस वगैरह होता है, कभी गए होंगे अगर आप लोग कार वगैरह की सर्विसिंग के सेंटर पे, तो वहां पर भी वो लोग क्या यूज करते हैं, ब्रिज क्रेन यूज करते हैं इधर से उधर ले जाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कोई भी चीज को। तो ओवरहेड ट्रेवलिंग ट्रेन सपोर्टेड बाय रेल्स विच आर टर्न सपोर्टेड बाय क्रेन रनवे बीम्स, ठीक है, तो इस तरीके से बीम्स के ऊपर इसको दौड़ाते हैं, जो भी इनका काम रहता है उसको इधर से उधर ले जाते हैं, तो ईजी हो जाता है वर्क करना। तो इसीलिए आप लोगों ने एक मूवी देखी है क्या, वो शाहरुख खान की एक मूवी थी जिसमें वरुण धवन भी था शाहरुख खान भी था, उसमें यूज हुआ है। कौन सी मूवी थी यार, मूवी तो मुझे याद नहीं आ रही है। हाँ क्या बात है, दिलवाले, उसमें जो वेयर हाउस था उस वेयर हाउस में क्रेन भी था, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, वेरी गुड दिलवाले, ठीक है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला नहीं, दिलवाले वाला जो अभी लेटेस्ट वाला ही है, तो उसमें यूज हुआ था ये, क्रेन भी यूज हुआ है, प्लस उनके वेयर हाउस बहुत बड़े थे तो वो क्या सर्विस को वगैरह काम होता था ना, तो इसलिए वहां पे यूज हुआ था, और वहां पे मेजनियन फ्लोर भी यूज हुआ था। चलिए बट प्लेट, नाम सुना होगा कई लोगों ने, बट ज्वाइंट देखा होगा पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, लैप ज्वाइंट भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो भाई ये बट प्लेट क्या है, तो इन प्लेट ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर विच यूजली रेजिस्ट अगेंस्ट द सिमिलर, मतलब जैसे इधर है वैसे इधर भी आपको देखने को मिलेगा, एन इंड प्लेट ऑफ अनदर मेंबर टू फॉर्म द मोमेंट रेजिस्टिंग कनेक्शन, ऑल्सो कॉल्ड स्प्लाइस प्लेट, इंड प्लेट एंड कैप प्लेट, ठीक है जी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज करते हैं, अगर ये लास्ट में जुड़ा है तो वो इंड प्लेट वहां पे लगाते हैं, क्लोज करना है किसी चीज को तो वहां पे कैप प्लेट लगाते हैं, आगे मैंने उसका एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, और अगर कंटिन्यू करना है तो स्प्लाइस प्लेट भी यूज करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो इस समय यूज हुआ है ये बट प्लेट है, अगर इसमें बहुत ढेर सारी बोल्टिंग करते तो वो स्प्लाइस प्लेट होता, क्या होता वो स्प्लाइस प्लेट होता वो, ठीक है जी, तो याद रखना बट प्लेट अगर यहाँ पर ऐसा दिखता है तो आप समझ जाओ कि ये क्या है मेरा बट प्लेट। बाईपास गेट, ठीक है, अभी ये सब मेंबर्स आपको ना मतलब एकदम नए नए लग रहे होंगे कि ये मेंबर्स कहाँ देखा मैंने, ये कहाँ देखा, तो भाई अगर आप अब पीबी के अंदर आपको करियर बनाना है तो ये मेंबर्स से आपकी दोस्ती होनी चाहिए। अ गेट विच पासिस कंटिन्यूसली अलोंग द आउटसाइड फ्लेंच ऑफ द कॉलम्स, तो एक कॉलम के कॉर्नर से, देखो यहाँ पर कॉलम्स लगे हैं, इसके कॉलम्स के कॉर्नर से ऐसे गेट लगाए जाते हैं, किसके लिए, फॉर द सपोर्ट्स, ठीक है, सपोज इसके ऊपर वॉल लगाना है,
अब डायरेक्ट कॉलम के ऊपर वॉल थोड़ी लगा दोगे, तो क्या करते हैं गेट यूज कर लिया, गेट कर देगा सपोर्ट, और सपोर्ट करने के बाद फटाफट वॉल की क्लैडिंग्स कर दिया, लग गया। ठीक है, तो कभी भी वॉल डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट करोगे तो सपोर्ट कैसे मिलेगा कॉलम का, यहाँ तो मिल गया, यहाँ कौन सा कॉलम है। तो इसलिए क्या यूज करते हैं, बाईपास गेट यूज करते हैं, जिसको जिसके ऊपर से हम लोग यूज करते हैं वॉल क्लैडिंग्स, जैसे रूफ के लिए पर्लिन यूज करते हैं, समथिंग लाइक दैट। केबल्स, ठीक है, केबल सबने देखा होगा, यूज फॉर केबल ब्रेसिंग्स, कैन बी यूज टू ऑपरेट रेज वेंट डैम्पर फॉर टेम्परेरी ब्रेसिंग्स, सी द ब्रेसिंग्स केबल, देखा होगा आप लोगों ने, हुक बना के भी इसको उठाने के लिए यूज करते हैं, बहुत से जगहों पे पीईबी में आपको केबल्स यूज होगा, केबल ब्रेसिंग्स भी होती है, मे बी आगे है ये, देखो केबल ब्रेसिंग्स, तो देखो हुक बना दिया, हुक बना के उठाने के काम में आता है बहुत से जगहों पे, कुछ भी इधर से उधर ट्रांसफर करना है, क्रेन के अंदर बांधना है, तो वहां पर भी केबल यूज करते हैं। तो केबल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीईबी के अंदर जी। तो केबल प्लेस डायगोनली इन द रूफ एंड वॉल फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग विंड लोड टू द फाउंडेशन एंड डायगोनली स्टेबलाइजिंग द बिल्डिंग्स, तो उसको बांधने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं केबल्स को। ठीक है जी, केनोपी, केनोपी आप सबने देखा होगा, सिम कार्ड जो बेचते हैं जो लोग, ठीक है, जो सिम कार्ड बेचते हैं, तो देखते हो ना एक झंडी टाइप का लेके बैठे रहते हैं प्रचार करने के लिए, दैट इज ऑल्सो केनोपी। केनोपी का हिंदी मतलब होता है किसी भी चीज़ को कवर करके रखना, दैट सीट। आपने बाइक देखा होगा, बाइक के ऊपर एक कवर लगा देते हैं, वो भी एक तरीके का केनोपी है। ठीक है, बाइक के ऊपर कवर लगाना भी एक केनोपी है, और यहाँ पर भी एक केनोपी यूज किया गया है इसको कवर करने के लिए। तो द ओवर हैंगिंग और प्रोजेक्टिंग, ठीक है, आपका भी सही है, छज्जा, बट छज्जा नहीं बोल सकते हो ये, इसको नहीं बोलते भाई, और क्या बोलते हैं इसके अंदर, छज्जा के अंदर भी बहुत से टर्म्स हैं जिनको हमको देखना पड़ेगा। प्रोजेक्टिंग रूफ और स्ट्रक्चर बिलो द ईवे लेवल, ईवे लेवल कल दिखाया था, कॉलम जहाँ खत्म होता है वहाँ पर ईवे लेवल रहता है, सपोर्ट इट वंस ओनली। ठीक है, शायद आगे कोई एग्जाम्पल रहेगा तो ईवे में दिखा देता हूँ आपको। ये देखो कैपलेट, ठीक है, कभी भी कोई सेक्शन लास्ट हो रहा है तो वहां पर कैप प्लेट लगाना कंपलसरी है, जिसने भी टेक्ला सीखा होगा, मैंने सिखाया होगा, वहां पे कॉलम लास्ट खत्म हुआ वहां पे कैप प्लेट लगा देंगे नहीं, ठीक है, पाइप सेक्शन है वहां पे भी लगा देंगे, कोई भी सेक्शन जब एंड होता है तो वहां पर कैप प्लेट हम लोग लगा देते हैं। सर मैक्सिमम कितने बाहर निकाल सकते हैं इसको, देखो ये डिपेंड करता है कि फिर आप स्टील सेक्शन ज्यादा बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, स्टील सेक्शन को हम आराम से 5 मीटर तक निकाल सकते हैं, अगर ये सपोर्टेड पीछे कहाँ से आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, स्टील आरसीसी से ज़्यादा निकाल सकते हो, आरसीसी को हद है कि 2 से 2.5 मीटर तक निकालोगे उसके बाद वो फेल होने लगता है, बट अगर ये बैक से आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप काफ़ी आगे तक निकाल सकते हो, डेफिनेटली अगर यहीं से सपोर्ट कर रहे हो तो फिर ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए कैप प्लेट याद रखिएगा, कैप प्लेट बहुत जगह यूज करने को आएगा आपको। ए प्लेट लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द कॉलम एंड इंड ऑफ द बीम्स ऑल्सो रिफर्ड एज इंड प्लेट, ठीक है, बीम रहेगा तो उसको इंड प्लेट बोलेंगे, लास्ट होगा तो कैप प्लेट। कैट वॉक, ये कैट वॉक वो वाला नहीं है जो फैशन डिजाइनर वगैरह लोग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी कैट वॉक की जरूरत पड़ती है, क्यों यहाँ पर कैटवॉक यूज करते हैं, इसलिए जैसे कि कोई भी काम कर रहे हो तो वहां पर एलिमेंट्स हमें रखने पड़ते हैं ना साथ में, तो उन एलिमेंट्स को कहाँ रखा जाए, ठीक है, तो उसके लिए उसको भी तो वॉक कराना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं कैटवॉक, अ नैरो वॉक वे यूज टू प्रोवाइड एक्सेस टू मैकेनिकल इक्विपमेंट्स नॉर्मली सपोर्टेड ऑन रूफ प्लेटफॉर्म, रूफ प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करके ऐसे कैटवॉक सकते हैं, इसके अंदर सारा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हम लोग फिट कर देते हैं। अच्छा, कैप प्लेट क्यों यूज करते हैं, कैप प्लेट इसलिए यूज करते हैं कि अगर आपको इसके ऊपर कोई एक मैं वो ले लेता हूं तो आपके लिए हो जाएगा, बिल्कुल इन्होंने सही बोला कि टू क्लोज सेक्शन वी कैन यूज कैप प्लेट, करेक्ट। अगर सपोज ये आपका, अगर ये मान लो कि कैप प्लेट नहीं होता तो ये ऐसे होता, ठीक है, कैप प्लेट नहीं होता तो ये ऐसे होता, अब इसके ऊपर अगर कुछ रखना है एलिमेंट, मतलब एक राफ्टर ले आके इसके ऊपर रेस्ट कराना है तो टफ होगा इसके ऊपर रखना ना,
ठीक है, लेकिन अगर उसी राफ्टर के लिए मैंने ऐसे कर दिया ये, अब क्या होगा, सपोर्ट करना आपके लिए इजी हो गया है। एज्यूम करो कि ये इसका ये नहीं है और आप इसके ऊपर खड़े हो, अब खड़ा होना टफ हो जाएगा आपके लिए। लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना दिया, मतलब कैप्लेट बना दिया, अब आप बोलोगे 1 घंटे हम खड़े हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लूँ, अभी जो लोग ब्रिक वगैरह उठाते हैं, मतलब ये कुल मिला के ये सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। प्लस और भी बहुत से बेनिफिट हैं कि आपके अंदर कोई ड्रेन वगैरह, पानी वगैरह कभी कुछ भी नहीं जा रहा है, ये क्लोज कर दिया उस प्लेट को। कोई मान लो पाइप है, अब पाइप अगर खुला छोड़ दोगे छत के ऊपर तो पाइप के अंदर पानी जाएगा, और आपको पता है ये लोहे की कमजोरी ही तो जंग है उसका। ठीक है, मतलब क्रोजन लग गया तो खत्म हो गया, तो अगर कैप प्लेट डाल दोगे तो खत्म टेंशन। ठीक है, ये बेनिफिट होता है इसका। चलिए, टॉल्किंग ये एक तरीके से गम जैसा होता है, इसको मार्क करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, कहीं पर भी हो आपको कुछ भी मार्क करना है तो कॉल्किंग यूज करते हैं, जिससे कि हमारे को पता रहता है कि अच्छा यहाँ पर राफ्टर ले आके प्लेस करना है, तो यहाँ पर मार्किंग कर दिया एक। ठीक है, एसीलेंट यूज फॉर यूज इन मेकिंग वाटर टाइट ज्वाइंट्स। ठीक है, तो वहाँ पर हमें मार्किंग करके फिक्स कर देते हैं उस एलिमेंट को, भाई ये चीज़ यहाँ पर आने वाला है, और उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, और वो कुछ भी कैसा भी कोरोजन भी वहाँ पर लग रहा है तो उससे हमें ये सेफ्टी प्रोवाइड कर देता है, एक तरीके से गम जैसा होता है। चेकर्ड प्लेट, ये देखिए आपके पास ये चेकर्ड प्लेट होती है, कई जगहों पे यूज करते हैं, कई लोग अपने स्टेयर्स के थ्रेडिंग्स पे भी आप देखोगे। ठीक है, और कैटवॉक के लिए भी यूज करते हैं लोग, और उसके साथ ही साथ ही आप देखो लिखा है कि फ्लैट रोल प्लेट विथ रेस्ड। ठीक है, चेकर्ड डिजाइन टू प्रिवेंट स्लीपिंग, यूज फॉर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, प्लेटफॉर्म, कैटवॉक, स्टेयर्स, थ्रेड्स एल्सेट्रा, किसी के भी नीचे हम इसको यूज कर लेंगे तो एक तरीके से होते हैं, जैसे कि हम लोग पॉलीथीन यूज करते हैं ना कि कोई भी सामान हमारा खराब ना हो। ठीक है, वैसे ही ये भी रहता है चेकर्ड प्लेट, जिसके ऊपर हम लोग थ्रेड्स वगैरह बनाएंगे, तो क्या होता है कि भी सीढ़ी वगैरह आपने देखा होगा, स्टील की सीढ़ी जब बनती है तो उसमें गैप्स रहते हैं ना, उसमें उसके बीच में गैप्स रहते हैं, क्योंकि पूरा ऐसे प्लेट भर भर के तो बनाओगे नहीं, इसके अंदर पूरा मटेरियल भर के, तो इसके नीचे अगर आपने चिकट प्लेट लगा रखा है तो एक तरीके से वहां पे क्या होता है, अंदर से क्लोज रहता है वो, तो अच्छा रहता है आपके स्ट्रक्चर्स के लिए। इन्होंने बोला हुआ है देयर इम्पोज्ड पैटर्न ऑन चेक प्लेट। ओके, ये पैटर्न्स क्यों रहता है, देखो पैटर्न्स के कई ढेर सारे वो है, तो पैटर्न से एक बेनिफिट क्या होता है कि जैसे कि अभी आप सबको अगर ये प्लेन प्लेन होता है ये, तो जैसे इसके ऊपर आप चलते आप तुरंत स्लाइड कर जाते हैं। ठीक है, तुरंत क्या हो जाता है, आप स्लाइड कर जाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ऑफकोर्स उसे जल्दी से आप फिसल जाते हैं। ठीक है, यस, तो इसे क्या होता है कि अगर ऐसे थ्रेड्स बने रहते हैं तो क्या हो जाता है, इसे ग्रिपिंग्स बन जाती है। आप लोगों ने देखा होगा इसको, लोग कभी कभी जो पीपा का पुल होता है, पता नहीं आपने देखा है क्या, पीपा का जो पुल होते हैं उसमें भी इसको यूज करते हैं, रेलवे क्रॉसिंग्स पे भी यूज करते हैं इसको, तो थ्रेड्स रहते हैं जिससे ग्रिपिंग्स बनी रहे और डेफिनेटली उससे आप सेफ रहते हो, तो प्लेन रहेगा उस पर कोरोजन भी जल्दी आएगा। रीजन क्या रहेगा, रीजन ये रहेगा कि वो प्लेन है तो उस पर रेस्ट किया नहीं कि तुरंत कोरोजन आ गया, इसमें स्लाइड्स हैं तो पानी इधर से उधर से ड्रेन करता हुआ, डांस करता हुआ निकल जाता है जी। ठीक है, हाँ जी, रेलवे क्रॉसिंग्स पे यूज करते हैं बिल्कुल, और रेलवे का जो ब्रिज जाता है कल उस ब्रिज पे भी, किसी ने व्हाट्सएप पे भी इससे रिलेटेड मैसेज ही किया क्या, मेरा एक्सपीरियंस, अच्छा नहीं, यही सेम एग्जांपल व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा है, बट वो कुछ और पूछ रहा है। क्लियर हाइट, ये बड़ा पंगा रहता है, क्लियर हाइट और क्लियर स्पैन। ठीक है, कई लोग इसके टेंशन में रहेंगे कि सर क्लियर स्पैन क्या होता है, क्लियर हाइट क्या होता है, तो हमने कहा इसको भी क्लियर करके रखते हैं, क्लियर क्लियर क्लियर, तीनों क्लियर। तो क्लियर हाइट मतलब भाई इसमें आपको ये नहीं देखना है कि कहाँ से हमारा राफ्टर स्टार्ट हो रहा है, राफ्टर के पहले, ठीक है, यहाँ नीचे से लेके यहाँ तक को बोलते हैं क्लियर हाइट, और यहाँ से लेके यहाँ तक को बोलते हैं क्लियर स्पैन। ठीक है, पीवी को यूज करने का सबसे बड़ा रीजन है क्लियर स्पैन। ठीक है, क्लियर स्पैन के बीच में अगर एक भी कॉलम आ गया तो ये क्लियर स्पैन खत्म, ये क्लियर स्पैन नहीं है, अब क्लियर स्पैन यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट, तो आपको क्लियर स्पैन भी पता होना चाहिए, क्लियर हाइट, तो क्लियर हाइट यहाँ से यहाँ तक लिखा भी होगा, द वर्टिकल डायमेंशन फ्रॉम द फिनिश्ड फ्लोर लेवल टू लोवेस्ट अंडर साइड्स
पॉइंट ऑफ राफ्टर। कल का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोग इसी पर पूरा डिस्कशन हमारा होने वाला है कि ये जैसे आपका ये ट्रस है, ठीक है, कितना सपोर्टेड कर सकते हो, कितने टाइप्स के ट्रस बना सकते हो, क्या इसको ऐसे भी बना सकते हो, क्या ऐसे क्रॉस भी कर सकते हो, क्या इनको ऐसे कैंटिलीवर भी कर सकते हो। तो कल के इस लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, सो मिस मत करना, ठीक है। बहुत मजा आएगा उस लेक्चर में, मतलब कितने टाइप से इसको हम इस सेट को तैयार कर सकते हैं वो हर पॉसिबल टाइप्स हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। तो ये क्लियर हाइट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद होता है क्लियर स्पैन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्पैन है हमारा, ये क्या है, क्लियर स्पैन है। अ बिल्डिंग विदाउट इंटरनल कॉलम्स, अगर इंटरनल कॉलम आ गया क्लियर स्पैन नहीं रह गया, फिर वो यहाँ से यहाँ तक क्लियर स्पैन हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लियर स्पैन, इसी की वजह से पीवी ट्रेंडिंग में चल रहा है मार्केट। क्लिप, क्लिप आप लोगों ने अपने, लड़कियों ने अपने बालों में भी लगाया होगा, कपड़े सुखाने के लिए लोग क्लिप्स यूज करते हैं। क्लिप्स का मतलब क्या होता है, क्लिप्स का मेंबर होता है दो मेंबर को जोड़ना। एंगल और प्लेट यूज फॉर फास्टन टू और मोर मेंबर टुगेदर, उनको साथ में जोड़ने के लिए क्लिप्स यूज करते हैं। अब मान लो कि इसके पीछे यहां से एक बीम जा रही थी, इस बीम को इसे जोड़ा, यहां से बोल्टिंग कर दिया, और इसके नीचे से एक बीम जा रही थी उसको क्या कर दिया, बेल्डेड कर दिया। तो सुना होगा आप लोगों ने बोल्टेड बेल्डेड ज्वाइंट, ज्वाइंट का एक टाइप है बोल्टेड, कनेक्शन का एक टाइप है, सॉरी कनेक्शन का एक टाइप है बोल्टेड बेल्डेड ज्वाइंट। तो इधर बोल्टेड कर दिया और इधर बेल्डेड कर दिया। तो क्लिप्स हर जगह पे यूज करते हैं, कहीं पर भी दो मेंबर को जोड़ना हुआ क्लिप्स यूज करो, जोड़ दो, खत्म। तो ये भी बड़े ही काम वाली चीज है। ये तो लगभग सबने देखा होगा क्लोजर, ठीक है। क्लोजर पीवी के लिए जरूरी क्यों होता है, पीवी में मैंने इसको क्यों ऐड किया है, क्योंकि पीवी में मैक्सिमम स्टील के गेट होते हैं। किसके गेट होते हैं, स्टील के, और स्टील के गेट बहुत हैवी होते हैं। तो भाई अगर उसमें क्लोजर यूज नहीं किया ना, तो उसको अगर आपने ऑफिस वगैरह बना रखा है अपना, तो बड़ा टेंशन हो जाएगा। मतलब कोई एक बार आपके ऑफिस के अंदर आएगा दोबारा सोचेगा, बहुत हैवी गेट होगा, उसकी पुलिंग बहुत टफ होगी, प्लस अच्छे से बंद भी नहीं होगा। तो इसलिए क्लोजर लगभग लगभग हर एक पीवी के जो भी वेयर हाउसेस होंगे उसमें क्लोजर जरूर यूज करते हैं, ठीक है। इजी हो जाता है मूव करना इसको। मैकेनिकल डिवाइस यूजली अटैच टू हैंगर डोर्स विच ऑटोमेटिकली क्लोज द डोर्स, तो इजी हो जाता है आपके लिए डोर को क्लोज करना, क्लोजर इसको बोलते हैं, याद रखना। क्वाइल, अ रोल ऑफ स्टील सीट एंड वायर्स, आपने देखा होगा इसे वायर भी तैयार करते हैं, थ्रेड्स तैयार करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ स्टील के प्लेट्स भी तैयार करते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने कवर करने के लिए, वॉल क्लैडिंग बनाने के लिए, बहुत से लेयर्स तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉयल्स। तो ये कॉयल है आपका, देखते ही आप पहचान जाना कि हाँ ये कॉयल की बात हो रही है। कंक्रीट नोच होता है, नोच मतलब कॉर्नर्स पे ऐसे बनाए जाते हैं, ये देखो कॉर्नर्स पे, नोच मतलब नोज से याद रखो नोच, क्योंकि देखो आपने स्टेयर पढ़ा होगा आरसीसी में, तो वहां पर बोलते हैं ना नोजिंग निकाल दो, वैसे ही यहाँ पर नोच होता है, ठीक है। नोजिंग पता है कि नहीं आप सबको, ऐसे स्टेयर है ऐसे, तो यहाँ पर आप देखोगे स्टेयर के थोड़ा सा ऐसे निकला रहता है, इसको नोजिंग बोलते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट जो होता है उसको, यस, तो उसी कॉन्सेप्ट से ये बना हुआ है कंक्रीट नोच, ये लास्ट में कॉर्नर पे बनता है ये। अ रिवेट और नोच फॉर्म अलोंग द एज ऑफ द थ्रेड और होती है, यस, थ्रेड के साथ एक्स्ट्रा जो जुड़ता है वो नोजिंग होता है। तो यहाँ पर है रिवेट और नोच फ्रॉम अलोंग द एज ऑफ कंक्रीट फ्लोर स्लैब और ग्रेड बीम्स अलोंग वॉल पैनल्स इन बिलो द फ्लोर लेवल दस द प्रिवेंट इनग्रेस ऑफ डस्ट ऑफ वाटर्स, ठीक है। उससे आपको ये क्या करता है, सेव करता है एक तरीके से। अब इसके ऊपर कोई मेंबर लगाओगे तो स्पेस रहेगा ज्वाइंट करने के लिए, तो इजिली वहां पे ग्राउटिंग वगैरह भी हो जाती है। कंटिन्यूअस रेज वेंट, ठीक है, ये देखिए आपके पास ऐसे ये उठा हुआ आपने देखा होगा बहुत ढेर सारे जगहों पे। टू और मोर रेज वेंटिलेटर्स माउंटेड ऑन द बिल्डिंग्स रेज दैट अलाउ एयर सर्कुलेशन सी ऑल्सो रेज वेंटिलेटर, ठीक है। कई जगहों पे छोटे छोटे आपने देखे होंगे ऐसे गोले गोले बने रहते हैं, बट वो गोले गोले कितने ढेर सारे लगाओगे, तो कई लोग डायरेक्ट ही अपना क्या करते हैं रिजवेंट यूज कर लेते हैं बड़े बड़े फॉर द पर्पज ऑफ एयर सर्कुलेशन,
ठीक है देखो, क्योंकि ये सब मैक्सिमम फैक्ट्रीज में यूज होता है, वेयर हाउस वगैरह। अब फैक्ट्री वगैरह में आप सबको पता है वहाँ पर काम होता है बहुत हैवी लेवल का, तो हीट वगैरह भी उसी लेवल से क्रिएट होता है, तो उन सब के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ये बड़े काम की चीज़ है। यहाँ से देख रहे होगे आप कुछ आ रहा होगा और यहाँ से जा रहा होगा और यहाँ से आके ये एग्जिट हो रहा होगा। मैं इस हफ्ते पूरा आपको एक एक बेसिक्स क्लियर कर दूंगा पीईवी का। नेक्स्ट वीक से हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो हमने हर एक 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 वीक डिवाइड किया हुआ है सबके लिए, ठीक है। आगे उसके बारे में डिस्कस करूंगा, पहले एक बार और आगे थोड़ा पढ़ लूँ। टू मैंडेटरी होगा, हाँ जी ये हाँ मैंडेटरी है। ये नहीं यूज करोगे तो भी गोला वाला यूज करोगे, दो में से एक यूज करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डाउन स्पाउट्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आया रहेगा, यहाँ से ये पानी निकालने का मेन काम करता है। ये देखो ऐसे लगा है, एक इधर लगा हुआ है, एक और लगा हुआ है, ठीक है। ये पानी निकालने का काम करता है। कोल्ड फॉर्म स्टील मेटल क्रॉस सेक्शन, मेटल सेक्शन यूज्ड टू कैरी वाटर फ्रॉम द गटर ऑफ द बिल्डिंग्स टू द ग्राउंड और स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम। तो वहां से पानी ले आने का काम करता है कौन, डाउन स्पॉट्स। ये यहाँ से निकल रहा है। ये एल्बो होता है जो यहाँ पर लगा रहेगा। ये देखो ये आपका एल्बो है, ये देखो आपका एल्बो है, ठीक है। तो देख के आपको पहचान जाना है। कोल्ड फॉर्म सीट मेटल सेक्शन मैचिंग द डाउन स्पाउट प्रोफाइल अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द डाउन स्पाउट एंड कर्व इन सच अ वे एज डायरेक्ट वाटर अवे फ्रॉम वॉल्स। तो उससे क्या हो जाता है कि अगर ये नहीं लगाओगे तो पानी ऐसे टक 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 गिरेगा, कॉर्नर आपका खराब हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाउन स्पाउट्स हर जगह यूज करते हैं। ये डाउन स्पाउट्स क्या बोलते हैं, स्ट्रैप्स, जिससे कि जब पानी प्रेशर से आए तो पाइप को बाहर फेंक ना दे। इसके लिए यहाँ पर देखो यहाँ पर स्ट्रैप्स लगा देते हैं बांधने के लिए, एक तरीके से इसको बोल सकते हो रस्सी टाइप का काम करता है ये। चलो ये बड़े काम की चीज़ है। फैसिया ये क्या करता है, ये लुक तैयार करता है आपका। थोड़ा सा लुक आपने अभी देखा होगा, थोड़ी देर पहले मैंने बिल्डिंग दिखाई थी तो उसमें ये यूज हुआ था। एंड एंड एसेसरीज हुज फंक्शन इज टू इनहेंस द अपीयरेंस ऑफ वॉल, ठीक है। केवल वॉल लगा रहता है ना, तो वॉल क्या रहता है, वो स्टील की ऐसे वॉल रहती है, वो देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो जब इसको लगा देते हैं तो थोड़ा सा इससे ना लुक आपका अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ऑल्सो यूज टू कवर द ईवे एंड ग्रेव ऑफ द बिल्डिंग्स। क्या होता है आपने देखा होगा, स्टील्स वगैरह दिखती रहती हैं अगर इसको यूज ना करो ऊपर से। तो अभी देखो मारुति सुची वगैरह का शोरूम देखोगे तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर ये लोग ईवी यूज कर लेते हैं। अदरवाइज पीवी में इतने ढेर सारे मेंबर रहते हैं, कॉलम है, राफ्टर है, कनेक्शन है, ईवे है, ठीक है। और ये सब कुछ दिखने अगर दिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए इसको यूज करते हैं एज अ कवर फॉर अपीयरेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसके भी अलग अलग टाइप है, कोशिश करूंगा अगर वक्त मिला तो उसको भी कवर कर दूंगा मार्केट में कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल है। फोम क्लोजर, ठीक है। ये बात ये तब यूज में आता है जब हम लोग कोई स्लैब वगैरह प्लेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा भी रहेगा, पर्पस मेड फोम फिलर टू फिट इनसाइड एंड आउटसाइड प्रोफाइल ऑफ रूफ। देखो रूफ को जब प्लेस करते हैं उसके नीचे जब फोम क्लोजर लगा देंगे तो क्या होता है कि प्रॉपर एडजस्ट हो जाता है। वो क्या होता है, प्रॉपर एडजस्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर लिखा रहेगा, वॉल पैनल्स प्रोवाइडिंग अ वेदर टाइट सील आल्सो नोन एज फोम क्लोजर। इसको लगा के इसके ऊपर रूफ को रखा जाता है जिससे कि स्टील से डायरेक्ट टच पे नहीं आएगा, वो इसके बीच में एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर देखो लिखा है वेदर टाइट सील का काम करेगा ये, ठीक है। इज जस्ट लाइक कि इसको कैसे बोल सकते हो, कोई भी फ्रेम किसी भी चीज़ पे बैठना है तो उसके जैसे अभी हम लोग अपने सोफा बैठते हैं ना, सोफा के नीचे तो लकड़ी ही रहती है, ऊपर से क्या करते हैं फोम लगा देते हैं जिससे हमें कंफर्ट फील होता है। तो वैसे ही ये भी है, जब रूफ आराम करने के मूड में रहता है तो उस टाइम पे इसको तकिया के रूप में ले लेता है फोम क्लोजर को, ठीक है। तो ये हेल्प करता है। चलिए जी अब बात करते हैं गेवल की, ठीक है। गेवल आपके सामने दिख रहा होगा, कॉर्नर पे लगता है गेवल, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे देखा ना ये फैसी का, इसके नीचे लगता है, इसके इसके नीचे, इसीलिए इसको लगा देते हैं कि इससे दिखे ना कुछ भी, ठीक है। और ये यहाँ पर रहता है, ये देखो कॉर्नर पे गेबल, और गेबल एंगल होता है, ये देखो ईवे स्टॉक के नीचे लगा रहेगा, ये देखो यहाँ पर। और ये आपका क्या है, गेबल ट्रिम्स, कहाँ से कहाँ तक लगाना है। द ट्रेंगुलर पोर्शंस ऑफ द इंड वॉल और
ऑफ बिल्डिंग्स डायरेक्टली अंडर द स्लोपिंग रूफ एबव द ईवेस्ट हाइट, ईवे हाइट के ऊपर और स्लोप के रूफ के नीचे गेवल को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं गेवल एंगल्स। ठीक है, अगर आपको और नहीं इसमें नहीं समझ आ रहा होगा, 2 दिन पीछे गूगल कर लेना, आपको एकदम दिख जाएगा कि अच्छा ये गेवल है। एन एंगल फास्टेंड टू द पर्लिन्स टेक रेक ऑफ द अटैचमेंट ऑफ इंड वॉल सीट्स, तो उसे क्या करता है, इसको क्लोज करता है इसके ऊपर, देखो यहाँ पर इसके ऊपर इसको हम लोग रेस्ट करा रहे हैं। गेवल ट्रिम अ फ्लैशिंग डिजाइन टू क्लोज द ओपनिंग्स बिटवीन द रूफ पैनल एंड इंड वॉल पैनल्स, क्या कर रहा है उसको क्लोज कर रहा है ओपनिंग्स को, भाई यहाँ पे जो भी ओपन है, जैसे अभी अगर ये रूफ लगेगा और यहाँ से वॉल लगेगा तो दिखता नहीं है कॉर्नर पे, आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से, तो गंदा दिखता है। हम लोग के घरों में कौन यूज करता है इसको, हम लोग ऐसे ही काम चला लेते हैं, तो जब काम चला लोगे तो फिर ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर गेवल लगा दोगे ऐसे तो फिर वो देखने में अपीयरेंस अच्छा हो जाएगा उसका। ग्रेटिंग, ग्रेटिंग यूज करते हैं सपोर्ट के लिए। ठीक है, सपोर्ट मतलब जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, 10 फीट पे जाके आप वाटर टैंक बना रहे हो, ठीक है, वाटर टैंक की रिपेयरिंग करनी हुई तो आप लोगों ने देखा होगा सीढ़ी बनाते हैं, सीढ़ी के बाद और रेस्ट करने के लिए बीच बीच में बनाते हैं, रेस्ट करने के लिए, अगर आपकी वाटर टैंक बहुत बड़ा है तो अगर डायरेक्ट जाएंगे तो फिर थक जाएंगे ना सीढ़ी पे, तो क्या करते हैं बीच बीच में सपोर्ट्स यूज करते हैं। ऐसे ही ब्रिज को देखोगे, जैसे मान लो ये ब्रिज है, वैसे है नहीं बस मान लो, तो ब्रिज के किनारे किनारे सपोर्ट में बनाते हैं कि अगर ट्रेन वगैरह आ गया तो रिपेयरिंग कर रहे हो तो वहां जाके रुक जाओ, तो उसी तरीके से होती है ग्रेटिंग्स, मतलब उसी को ही बोलते हैं ग्रेटिंग्स। वेल्डेड फ्रेम्ड सोलर स्ट्रक्चर्स भी यूज होता है, यस, अ वेल्डेड फ्रेम्ड वर्क ऑफ क्रॉस बार्स यूज इन फ्लोरिंग इक्विपमेंट्स, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म वॉकवे, वॉकवे मतलब वहां पर रुकने के लिए, कैट वॉक के लिए, स्ट्रेट स्टेट थ्रेड्स के लिए, स्टेट की थ्रेड्स बनाने के लिए, इन्होंने बड़ा अच्छा यूज बताया, सही याद दिलाया, सोलर पैनल्स के लिए। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, सिलिकॉन प्लेट लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक तुम्हारा सोलर पैनल बन गया, इसी के ऊपर सिलिकॉन प्लेट लगाते हैं ना, जिसे हम लोग सोलर पैनल बोलते हैं। तो ग्रेटिंग आपका बहुत से जगहों पे यूज आता है, कहाँ कहाँ भाई, कैटवॉक्स बता दिया, स्ट्रेट ट्रेड्स आपको पता ही है, प्लेटफॉर्म वॉकवे मैंने बोला सपोर्ट के लिए चलने वलने के लिए, और इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म्स मतलब कुछ सामान वगैरह रखने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेटिंग्स। तो गाइस ये आपको इतना हेल्प करेगा, देखते ही आप पहचान जाओगे कि अच्छा ये ग्रेटिंग है या फिर यहाँ लगाना है ग्रेटिंग, तो मॉडलिंग जब करोगे तो आपको टेंशन ही नहीं रहेगा, ये फायदा है इससे। ग्राउट एग्जाम्पल दिया क्या कोई, ये देखो यहाँ दिया ग्राउटिंग, ठीक है, ग्राउटिंग देखो यहाँ पर हुआ है, बेस प्लेट लगा हुआ है और यहाँ पर एक नीचे से फुटिंग आ रही है, ऊपर हमारा सेक्शन गया हुआ है। नॉन सिंक्रेस सैंड एंड सीमेंट यूज्ड मिक्सचर ऑफ अंडर द बेस प्लेट टू ऑब्टेन द यूनिफॉर्म बेरिंग सर्फेसेस, ठीक है, 1:3 का मोर्टार यूज करके इसको बनाया जाता है, ग्राउटिंग की जाती है, जिससे कि ये कनेक्शन पूरी तरीके से क्लोज हो जाए, इसके अंदर वाटर वगैरह न जाए, क्योंकि यहाँ पर स्टील की बेस प्लेट है तो कोरोजन वगैरह का भी लफड़ा रहेगा, वो सारे लफड़े क्या हो खत्म हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 1:3 का मोर्टार बना के ग्राउटिंग करते हैं स्ट्रक्चर्स को। ठीक है जी, गसेट प्लेट तो आपको पता ही होगा, ये देखो ये गसेट प्लेट है, कहीं पे भी देखो इस तरीके का कनेक्शन लगा है तो क्या है, गसेट प्लेट है। स्टील स्टिफनर प्लेट यूज टू हेल्प डिस्ट्रीब्यूट द लोड एट द कनेक्शन, अब यहाँ से सीधे यहाँ से आ गया, यहाँ पर भी आपको सीधे कनेक्शन दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया, तो ये किसके हेल्प से कर पा रहे हो, गसेट प्लेट की वजह से, ये प्लेट रहती है जो कि अंदर वेल्डेड रहेगी, यहाँ ये बोल्टेड कर देते हैं। ठीक है, टिकला में इसको बहुत डीप में मैं पढ़ाऊंगा, लगा के भी दिखाऊंगा कि कैसे लग के दिखता है ये, अगर कॉन्सेप्ट अभी याद रखोगे तो बाद में मुझे बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि ये चीज़ बना रहा हूँ, ये चीज़ बना रहा हूँ, बोलोगे सर ये तो मुझे पता है, अब ग्रेटिंग बनाऊंगा, बेस गजेट प्लेट लगाऊंगा, बोलोगे ये सब तो आता है सर, गटर, ठीक है, कहते हैं ना लोग दारू पी के आदमी गटर पे गटर में गिरा हुआ है, तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। प्री फॉर्म लाइट गैस मेटल चैनल्स एट द रूफ अलोंग द साइड वॉल्स एंड इन वैलीज ऑफ मल्टी गेवल रूफ टू कलेक्शन ऑफ रेन वाटर्स, ठीक है, एक गटर बना देते हैं, मतलब एक तरीके से नाली बोलोगे, इसको नाली बना देते हैं, जिससे कि जो भी यहाँ पर वाटर आया वो सारा वाटर यहाँ से आके आराम से एक तरफ से निकल जाए, अभी हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया ना ये यहाँ पे बना के डायरेक्ट यहाँ से डाउन स्पाउट से हम लोग निकाल दें पानी को, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या भाई, कहाँ गया गटर, चलिए
ये ऐसे ही था, ये एच सेक्शन है, छोड़ दो इसको। हिल साइड वॉशर, ठीक है क्या भाई? हिल साइड वॉशर आपके सामने दिख रहा है। अ वॉशर हैविंग नॉन पैरेलल फेसिंग्स नॉर्मली यूज ऑन ब्रशेस केबल और रॉड्स, ऑल्सो नोन एज बेवल वॉशर। ठीक है, कहाँ पे यूज करते हैं भाई? ब्रश केबल्स वगैरह जब लगाते हैं तो वहां पर, अब यहाँ पर हम लोग केबल वगैरह दे सकते हैं, तो वहाँ कॉर्नर पे हम लोग हिल साइड वॉशर यूज कर लेते हैं। ठीक है, होस्ट कुछ भी ऊपर उठाना है तो मशीन से चलता है, ठीक है, और इससे किसके माध्यम से, आप ये देखो एक तरीके से क्रेन ही है, ठीक है, कोई भी चीज़ ऊपर उठा सकते हो। यहाँ पर ये केबल्स यूज होती हैं। लिफ्टिंग डिवाइस दैट इज मैकेनिकली, इलेक्ट्रिकली एंड मैनुअली ऑपरेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रिक से भी चलता है, कई लोग डीजल का भी यूज करते हैं, तो उससे ये होस्ट से कुछ भी, एक तरीके से छोटा क्रेन बोल सकते हैं उसको। हॉट रोल शेप्स ये आपके सामने दिख रहे हैं, हॉट रोल स्टील्स, अलग अलग आप चैनल जानते हो, एंगल जानते हो, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ट्यूब जानते हो, एंगल सेक्शन, पाइप, ठीक है, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन, तो ये तो आपको पता है। चलिए, इंसुलेशन, आप लोगों को देखा होगा कि इंसुलेट कर देते हैं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर व्हाई हिल साइड वॉशर बी यूज इन रॉड ब्रेसिंग्स और सिंपल वॉशर यूज करेंगे तो पुल हो जाएगा, तो पुल, हाँ जी, देखो हिल साइड वॉशर से क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये हिल साइड वॉशर है, तो यहाँ पे देखो लिखा है कि अ वॉशर हैविंग नॉन पैरेलल फेसिंग्स, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन पैरेलल, पैरेलल नहीं है फेसिंग्स, ठीक है, अगर सिंपल ब्रेसिंग्स लगाओगे तो सिंपल वहाँ पे क्या बोलते हैं वॉशर लगाओगे तो उसको एकदम प्लेन चाहिए, बट इसमें क्या है कि ऊपर नीचे भी है तो भी ये क्या हो जाएगा, लग जाएगा, तो नॉन पैरेलल फेसेस नॉर्मली यूज फॉर ब्रेस केबल्स और रॉड, ठीक है, रॉड वगैरह लगाने के लिए कैसे भी सिचुएशन है वहां पर ये लग जाएगा। डेफिनेटली सिंपल वॉशर भी लगा सकते हो, बट सिंपल वॉशर उतना अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा अगर ऊपर नीचे स्लोप्स होंगी, तो इसलिए लोग हिल साइड वॉशर यूज करते हैं। समझ में ऐसा, सिंपल भी लगा सकते हो बट प्लेन सेम होना चाहिए। चलिए, इंसुलेशन तो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, एनी मटेरियल यूज फॉर यूज इन बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन फॉर रिडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, तो उसके लिए देखो एक लेयर लगा देते हैं, इंसुलेट कर देते हैं, आपकी जो कार बनती है ना, कार के जो भी ऊपर के सेट्स बनते हैं उनमें भी इंसुलेशन यूज होते हैं, जिससे कि कार के अंदर हीट कम आए, ठीक है, जितनी महंगी कार उतनी अच्छे तरीके से इंसुलेशन यूज करके उसको बनाया जाता है। इंटीरियर वे मतलब, अब ये तो पढ़ाई दिया तुमको, तो वे मतलब क्या है कि स्पेस, तो अब इंटीरियर वे मतलब अंदर के स्पेस का काम, ठीक है। इंटरमीडिएट राफ्टर स्प्लाइस, ठीक है, इंटरमीडिएट राफ्टर स्प्लाइस क्या है आपके भाई, ये देखो देखो अलग अलग जगह पे जॉइंट्स है, कैन बी प्रोवाइड इंसुलेशन इन आरसीसी, यस आरसीसी में भी यूज करते हैं ना, जो वाटर वाटर प्रूफिंग करते हैं ना हम लोग, वो भी एक इंसुलेशन ही है बिलाल, वाटर प्रूफिंग करते हैं ना, वो भी एक तरीके का इंसुलेशन है, ठीक है। अभी तो हीट प्रूफिंग भी आ रहे हैं, तो हीट प्रूफिंग पेंट आ गए हैं अभी, तो उसके माध्यम से भी वो भी इंसुलेशन है, उसको भी यूज करते हैं लोग। इंटरमीडिएट राफ्टर स्प्लाइस मतलब कहीं बीच में कनेक्ट हुआ है तो उससे नमस्ते मतलब वार्तालाप कर लेना। कनेक्शन ऑफ टू पीसेज ऑफ राफ्टर, ये देखो ये और ये क्या है, ये इंटरमीडिएट राफ्टर स्प्लाइस है, ये होप क्लियर हो गया होगा, तीनों ऑप्शन ये बड़े काम की चीज है। देखो गाइस, अगर ये सब आपने किया हुआ है और ये आपको पता है ना, बिलीव करिए इंटरव्यू में जाएंगे इतना इजी होगा, उनको लगेगा कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। जैसे आप उनको बताएंगे कि यस सर मुझे इंटरमीडिएट राफ्टर पता है, इंसुलेशन का यूज पता है, इंटीरियर वे पता है, लोअर पता है, लोअर से हीट बाहर निकालते हैं, ठीक है। वॉल ओपनिंग्स प्रोवाइडेड, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने बिल्डिंग दिखा था किसी ने पूछा था ये क्या है, तो देखो भाई वो लोअर ही यूज हुआ था ऐसे, तो ब्लेड्स फिक्स और मूवेबल टू अलाउ फ्लो एयर इन साइड द बिल्डिंग्स, तो उससे क्या होता है हीट वगैरह एब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़ा अंदर कूलिंग्स बना रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लोअर यूज करते हैं। इसके ब्लेड्स की डिजाइन होती है, ये जो ब्लेड है ना ऐसे नॉर्मल नहीं लगे, ये ब्लेड्स की डिजाइन होती है अलग अलग सॉफ्टवेयर पे, रेबिट पे भी इसको यूज करते हैं, रेबिट पे भी बनाते हैं। ये है मेजनियन फ्लोर, कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, मेजनियन मतलब होता है कि एक मेन रूफ तो ऊपर है आपका, बीच में से स्लैब जैसा बना देना, ये देखो बीच में स्लैब जैसा बना दिया तो उसको क्या बोलते हैं मेजनियन, तो उससे क्या फायदा होता है, वो एज अ स्लैब वर्क यूज करते हैं उसको। आप लोग जूते की दुकान पर गए होंगे, छोटे दुकानों में अगर गए होंगे बचपन में,
तो जैसे आप उसको बोलेंगे 8 नंबर जूता उसके पास नहीं है, तो क्या ऊपर इशारा करता है, ऊपर एक आदमी बैठा रहता है, तुरंत गिराता है उसको, लो भाई 8 नंबर जूता। ठीक है, तो एक फ्लोर बनाए रहते हैं अपने अपने दुकान के अंदर, तो वो जो फ्लोर होता है वो मेजनियन फ्लोर ही है, बस अंतर यह है कि वो लकड़ी का रहता है। ठीक है, मेजनियन फ्लोर मतलब कोई भी एक रूफ बना देना अपने मेन रूफ के नीचे। एन इंटरमीडिएट फ्लोर दौर करते हैं, क्या बोलते हैं, यस क्या बोलते हैं सर, मेजनियन फ्लोर में ग्राउट करते हैं। देखो ग्राउट अगर डेफिनेटली अगर आपको सो नहीं अपना खराब करना है तो ग्राउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउटिंग उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजनियन फ्लोर का बस इतना सा कारण है कि हेल्फ के यूज में आना। ठीक है, तो देखो इसके लिए कई ढेर सारे मेंबर्स यूज करेंगे। बिल्डिंग्स एबव द ग्राउंड लेवल फ्लोर ऑक्यूपाइज ऑल और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग्स फ्लोर एरिया एंड कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स बीम्स जॉइस्ट डेक पैनल सब यूज करके, यहाँ पर ये देखो ये बना हुआ है, इसी को बोलते हैं आपका बेसिक। तो जैसे कि आपको कुछ रखना हुआ तो यहाँ पर रख लो। ठीक है, कार वगैरह पार्क करनी हुई तो यहाँ पार्क कर दो। मेन स्लैब आपका ऊपर है, मतलब रूफ जिसको बोलोगे आप, रूफ ऊपर है, बस ये बीच में लेयर्स बना दिया, दैट इज कॉल्ड मेजनियर्स। क्लियर, तो इसके लिए भाई जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ यूज करेंगे। हाँ जी, मेटल डेक भी बोलते हैं। ठीक है, मेटल डेक वो स्लैब का एक टाइप है, मेजनियर स्लैब का एक टाइप है मेटल डेक। ठीक है, रेलवे वगैरह में भी यूज करते हैं। ये देखो पीक साइन होता है, आप लोगों ने देखा होगा, किसी कंपनी को अगर देखा होगा तो यहीं पर एक बोर्ड लगा कर रखते हैं वो लोग। क्या लगा कर रखते हैं, बोर्ड लगा कर रखते हैं कि मान लो यूनिक सिविल है, तो उसके लिए यहाँ पर ये पीक साइन होता है, यहीं कॉर्नर पे ही वो अपना लोगो लगाएंगे, पीक साइन जो भी जिसकी कंपनी है यहीं पर लगाते हैं पीक साइन। अ साइन अटैच टू पीक ऑफ द बिल्डिंग्स एट द इंड वॉल शोइंग द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ द बिल्डिंग्स ऑल्सो कॉल्ड रेज साइंस। तो आपका जो भी जिसने बनाया उसने यहाँ पे अपना नाम या बोर्ड वगैरह लोगो वगैरह सब अपना अलग अलग लगाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, किसी ने देखा है क्या, टाटा ब्लू स्टेक्स का देखा होगा, जेसीबी का देखा होगा, फिनिक्स का देखा होगा, यस मतलब कोई भी, मतलब कहीं पे भी किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हो, मतलब ऐसे जरूरी नहीं हम पर किसी का प्रसार नहीं कर रहे हैं। चलो ये बड़ा काम का है, लोगों को नहीं पता रहता है कि भाई इससे और इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पिच। और ये देखो आपका ये पिच रूफ है, अगर ऐसे रूफ रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, पिच रूफ। तो इसीलिए दोनों को मैंने साथ में ही रखा, मैंने कहा कंफ्यूजन ही रहेगा, साथ में ही क्लियर हो जाएगा दोनों। डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर लाइन्स होल्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द प्लेट, तो इसको क्या बोलेंगे, पिच या फिर होल बोलो। और पिच रूफ क्या है, स्लोप ऑफ द रूफ, तो उसको क्या बोलते हैं, पिच रूफ। ठीक है, अगर ये आरसीसी में होता तो इस स्लोप को क्या बोलते हैं, बताओ कोई बताएगा, इस स्लोप को क्या बोलते हैं अगर ये आरसीसी में होता तो, ऐसे स्लोप को क्या बोलते हैं, मैंने बहुत पढ़ाया है, कई लोग मेरे से पढ़े हैं, बताओ। नहीं गलत, ऐसे रूप को क्या बोलते हैं, थोड़े थोड़े जा रहे हो, और बताओ। और बताओ ऐसे रूप को क्या बोलेंगे, प्राइमर पेंट। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी स्टील का एलिमेंट आता है आपके घर में तो आपके घर वाले बोलते होंगे ना, जल्दी से इस पे प्राइमर लगा दो। ठीक है, जल्दी से इस पे प्राइमर लगा दो। अब कई लोग सोचते हैं ये प्राइमर होता क्या है, तो मैं आज ही आपको रूबरू करा देता हूँ, नहीं पहचान पाया इस रूप को क्या बोलते हैं, द इनिशियल कोट ऑफ पेंट स्लोप रूफ। इनिशियल कोट ऑफ पेंट अप्लाइड इन द सॉप ऑफ द स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग ऑफ द बिल्डिंग्स फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द एग्रेसिव इन्वायरमेंटल कंडीशन ड्यूरिंग द सीपिंग ऑफ एंड इरेक्शन। ठीक है, यस, जिंक क्रोमराइड एंड रेड ऑक्साइड से इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग प्राइमर बोलते हैं देसी भाषा में। तो इसको लगाते ही जैसे आपके देखोगे ना दुकान में, जैसे ही आपका गेट बनेगा, अगर आपने स्टील का गेट ऑर्डर किया है, लोहे का गेट, तो तुरंत फटाफट क्या करेगा वो गेट बनाते ही प्राइमर मार देगा। ठीक है, आपके घर में आया तुरंत आपके घर वाले भी प्राइमर मार देंगे। कूलर खरीदे हो ना, कूलर जो देसी वाला कूलर होता है, तो उसमें सबसे पहले प्राइमर की कोटिंग करके तुरंत पेंट मार देते हैं। तो प्राइमर से क्या होता है,
स्टील का है, एक सेंसिटिव चीज़ है ना, तो इन्होंने सही बोला, रेड ऑक्साइड होता है ये, तो इसके माध्यम से क्या होता है, इन्वायरमेंट उसको हार्म नहीं पहुंचा पाता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे कि सोना होता है ना, सोने के ऊपर भी कोटिंग होती है, बट उसका नाम अपने को नहीं पता है क्योंकि सोना अपने पास ज़्यादा है नहीं। ठीक है, स्मेल अच्छा होता है सर उसका, सही है। मतलब तुमको कुछ नहीं मिला, मतलब तो फिर उसी का स्मेल लिए पड़े थे, मतलब तुम फीलिंग ले रहे थे ना। चलो रेक ट्रिम, ठीक है, रेक ट्रिम क्या होता है भाई, रेक ट्रिम ये देखो यहाँ पर कॉर्नर्स पे लगते हैं, तो एस द सीटिंग्स आइटम्स ज्वाइनिंग द रूफ एंड वॉल सीटिंग्स एट रेक। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आपका जो भी रूफ रहता है, जो भी वॉल रहता है, वो यहाँ पर कनेक्ट होता है, कि देखो ये देखो आपका रेक ट्रिम है, रेक ट्रिम, रेक ट्रिम, रेक ट्रिम, ऑल्सो कॉल्ड गेबल ट्रिम। क्या बोलते हैं इसको, गेबल ट्रिम बोलो या फिर रेक ट्रिम बोलोगे, जो कि सीटिंग आइटम्स ज्वाइनिंग द रूफ एंड वॉल, रूफ और वॉल, नीचे से वॉल आ रहा है, ऊपर से रूफ आ रहा है, तो उसको ज्वाइन करने का काम रेक ट्रिम करता है जी। चलो ये है रिज, रिज मतलब ये ऊपर का ये कॉर्नर, ये जो ये है पीक और हाई जस्ट पॉइंट ऑफ गेबल्ड बिल्डिंग्स विच डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल लाइन रनिंग द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग्स। ठीक है, यहाँ से पता चलता है कि यहाँ से एग्जैक्टली किधर आए हैं आप, एग्जैक्टली किधर आए, मतलब पीक ऑफ द कह सकते हो बिल्डिंग्स, दैट्स इट। यह है रिज फ्लेसिंग्स, रिज फ्लेसिंग्स यहाँ से ऐसे देखोगे तो इसको यूज करते हैं, जैसे मान लो इधर से रूफ पैनल यूज हुआ है, इधर से रूफ पैनल यूज हुआ है, तो बीच में अगर खुला रहेगा तो क्या होगा आपको ही पता है। तो कंटिन्यूस मेटल फ्लैशिंग्स यूज टू क्लोज रूफिंग मटेरियल्स अलोंग द रिज ऑफ द रूफ, ऑल्सो कॉल्ड रिज कैप और पीक पैनल। तो ये क्या करता है, क्लोज कर देता है उनको बीच में। ठीक है, चलिए रिज कनेक्शन, रिज कनेक्शन क्या होता है, रिज कनेक्शन यहाँ पर ही आपके सामने दिया हुआ है, इस तरीके के कनेक्शन को हम लोग रिज कनेक्शन बोलते हैं। ये कनेक्शन बिटवीन टू राफ्टर, कोई भी टू राफ्टर होगा, अगर इस पूरे सेट की बात करोगे, पूरे सेट को बोलते हैं हंजेस, क्या बोलते हैं हंजेस, बट इस कनेक्शन की बात करोगे तो बोलते हैं उसको रिज कनेक्शन, क्या बोलते हैं रिज कनेक्शन। टू राफ्टर मेंबर्स विच ट्रांसफर द मोमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ द कनेक्शन टू द अदर साइड ऑफ मेंटेनेंस अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड्स, सेम एंगल बिटवीन द कनेक्टेड मेंबर दैट एग्जिस्ट प्रायर टू द बिल्डिंग सी ऑलमोस्ट मोमेंट कनेक्शन। तो ये मोमेंट कनेक्शन होता है एक तरीके से। चलिए अब लगभग लगभग हम लोग समाप्ति पे हैं, तो ज़्यादा किसी को अगर थकान उकान लग गई होगी तो पानी वानी पी लेना भाई। देखो अगर ये क्लियर रहा ना तो आपको इतना हेल्प पहुंचेगा कि आप मेंबर को देखते ही पहचान जाओगे, अच्छा इसके बारे में पढ़ना है, इसकी डिजाइन करनी है, मॉडलिंग बहुत इजी हो जाती है अगर ये सब आपको पता है तो। नहीं तो उधर मैं ऑटो कैड में से ड्रॉ कर दूंगा रिज रिज फ्रेम, आप बोलोगे सर ये होता क्या है, ठीक है, तो उधर अपन बना के दिखा भी नहीं सकेंगे आपको। रिज वेंटिलेटर, ठीक है, ये देखो यहाँ पर यूज होता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया भी था मैंने। ठीक है, रिज फ्रेम्स, ये देखो ऑफकोर्स इसको लगाने से पहले इसके नीचे ये लगाना पड़ेगा ना, तो इसको बोलो फ्रेम तैयार करते हैं इस तरीके से। और ये तो राइजर है, आपको पता ही है स्टेयर्स का राइजर वगैरह, और ये होता है रोल अप डोर। ठीक है, रोल अप डोर मतलब ये अपने रेलवे वगैरह में जो तो गोडाउन वगैरह होते हैं ना, इसमें ये लगाए जाते हैं, और इसका जो रोलिंग्स होता है वो अंदर की तरफ रखा जाता है। आप जो दुकान देखते होंगे अपने अगल बगल में किराना स्टोर, उसमें देखते होंगे उसका स्क्रॉल करते हैं तो बाहर की तरफ रहता है ना उसका पूरा कनेक्शन, इसमें अंदर की तरफ रहता है ड्यू टू सेफ्टी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका रिज वेंटिलेटर, रिज फ्रेम हो गया और ये राइजर हो गया, क्लियर है। रूफ कर्व यूज करते हैं सेफ्टी के लिए, वेदर प्रूफ फ्लैशिंग यूज ऑन रूफ टू सपोर्ट पावर वेंटिलेटर और डक्टिंग, रूफ कर्व्स कैन बी फाइबर ग्लॉस और सीट मेटल। तो इसके ऊपर ऐसे यूज करते हैं, सेफ उससे बना रहता है, रूफ कर्व बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे ओपनिंग्स वगैरह है तो उसमें डक्टिंग वगैरह का प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए इसको यूज करते हैं। रूफ एक्सटेंशन यूज करते हैं, मान लो किसी को ऐसा है कि भाई थोड़ा आगे हम निकल के आएंगे तो नीचे हमको कुछ भी यूज में आएगा, या फिर जैसे कि अभी डायरेक्ट अगर कोई वाटर इंट्रैक्ट कर रहा है तो ये एरिया आपका सेफ हो जाता है अगर आप एक्सटेंशन अच्छे से निकाल लिए तो। ठीक है, मान लो यहाँ गेट यूज किया आप, इन फ्यूचर गेट आपका सेफ रहेगा अगर ये रहेगा तो। ठीक है, धूल मिट्टी बहुत सी चीज़ों से रूफ एक्सटेंशन आपका हेल्प करता है। ठीक है, एन एक्सटेंशन ऑफ रूफ बियॉन्ड द एंड ऑफ वॉल, मतलब जहाँ वॉल खत्म हो रही है उसके आगे से, उसको बोलते हैं रूफ एक्सटेंशन, दैट्स इट। स्काई लाइट्स यूज करते हैं, ठीक है, अब स्काई लाइट्स के भी अलग अलग टाइप आ गए हैं मार्केट में, पहले तो एक ही दो टाइप्स थे, ये देखो स्काई लाइट्स है ये।
इससे क्या रहता है, अंदर रोशनी बनी रहती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा वाला है, सस्ता वाला भी दिखाऊंगा इन फ्यूचर। इट ट्रांसलेंट पैनल यूज्ड एट द रूफ टू ट्रांसमिट द नेचुरल लाइट्स, इट यूजली मेड ऑफ अ फाइबर ग्लास। किसका बनता है ये? फाइबर ग्लास का रहता है, और भी बहुत से मटेरियल्स का भी स्काईलाइट्स बनने लगा है। स्लीव नट्स, ये बड़े बड़े नट्स होते हैं एक दूसरे को जोड़ने के लिए। लॉन्ग नट नॉर्मली यूज्ड टू ज्वाइन टू ब्रेसेस और सेम डायमीटर, ऑल्सो नोन एज कपलिंग्स। कपलिंग की तरह काम करता है ये कपलर, जिसको आपने आरसीसी में कपलर मैंने पढ़ाया हुआ है, वैसे ही ये स्लीव नट्स होते हैं कपलर की तरह, जो बड़े बड़े मेंबर्स को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। सॉफिट, ये देखो आपके साथ सॉफिट रहता है ये। एन अंडर साइड कवरिंग द एक्सटीरियर पोर्सन ऑफ द मेटल बिल्डिंग सच एज कैनोपीज, ठीक है। कैनोपी अगर बाहर निकाले हो, अगर ये सॉफिट लगा दिया अच्छा सा, इसके अंदर लाइट्स वगैरह भी लगाते हैं लोग, थोड़ा अच्छा दिखने लगता है। एक तरीके से बोल सकते हो स्टील स्ट्रक्चर का सीलिंग इसको बोल सकते हो, ठीक है। इसे अपन सीलिंग घरों में लगाते हैं ना अच्छा बनाने के लिए, वैसे ही यहाँ पर सॉफिट यूज करते हैं जी। ये होता है स्प्लाइस। देखो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था वोल्टेज का ढेर सारा कनेक्शन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्प्लाइस, ठीक है। मोमेंट स्प्लाइस है ये। स्टिफनर, स्टिफनर यूज करते हैं, अगर कोई भी सेक्शन बहुत बड़ा सा है उसको बीच में अगर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम लोग ऐसे स्टिफनर्स यूज कर देते हैं। तो देखो लिखा रहेगा प्लेट वेल्डेड टू अ मेंबर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ वेव और प्रोवाइड द कंटिन्यूटी ऑफ द कनेक्शन। बहुत बड़ा जब स्ट्रक्चर जाने लगता है हाइट पे, तो वहां पर हमको स्टिफनर यूज करना चाहिए। स्टिफनर लिप भी होता है, ये देखो आपके पास ऐसे रहते हैं स्टिफनर लिप, अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल, तो देखो थोड़ा थोड़ा ऐसे निकला रहेगा बाहर, तो इसको बोलते हैं लिप, आपके लिप्स से याद कर लो, ठीक है। वेव बकलिंग होने से बचाता है, यस। अगर ये सीधा ऐसे स्ट्रेट चला जाएगा तो बकल होने का टेंशन रहेगा, ठीक है। क्यों बकल होने का टेंशन रहेगा? कोई सपोर्ट नहीं रहेगा ना वहाँ पे, अब यहाँ ब्रेसिंग तो यूज नहीं कर सकते, तो ब्रेसिंग की जगह पे स्टिफनर यूज करते हैं तरीके से। ये स्क्रू है, बताइए स्क्रू किस लिए काम में आता है? जिसका ढीला रहता है उसका दिमाग काम नहीं करता, जिसका ज्यादा टाइट हो जाता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्क्रू। वेंटिलेटर, ये देखो आपने यही वाला वेंटिलेटर देखा होगा, ज्यादातर जगहों पे यही वाला वेंटिलेटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आपके लिए वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे निकला हुआ है। और ये वॉल कवरिंग पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया था वॉल कवरिंग। और ये वेव है, इसको बोलते हैं वेव और इसको बोलते हैं फ्लेंच, ठीक है। तो ये तो पता ही रहेगा, ये देखा होगा आप लोगों ने वेंटिलेटर हर जगह पे, दिल्ली वगैरह में, गुड़गांव वगैरह में। द प्रोसेस टू चेंजिंग द एयर विद इन द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के अंदर एयर के कंडीशंस को चेंज करने के लिए, मेंटेन वेदर का मेंटेन रखने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ये वेंटिलेटर है फॉर प्रोवाइडिंग एयर चेंजेस विद इन द बिल्डिंग्स, तो यहाँ पर यूज करते हैं। इसके अंदर एमईपी का बड़ा लंबा काम होता है, जहाँ पे लोग अपना ऑफिस वगैरह बनाते हैं एमईपी का काम करवाते हैं, तो प्लम्बिंग वगैरह बहुत तगड़ी होती है इसमें। चलिए जी, होप आपको क्लियर हुआ होगा, काफी नई नई चीजें आपको पता चली होंगी, कुछ चीजें आपको मे भी पता रही होंगी, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, वेंटिलेटर देखा है बट घूमते रहते हैं, हाँ जी घूम, वही तो काम, वही उसका काम है ना, एयर कंडीशनिंग को मेंटेन करने के लिए घूमता रहता है। घर में फैन है और चले ना, तो फिर किस काम का? फैन क्या करता है? फैन भी तो यही करता है, हमारा जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखता है, वो बात की बात है, गर्मी में ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है जी। होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग, अभी ये पूरा ये वीक पूरा चलने वाला है, ठीक है, ये पूरा वीक चलने वाला है। पीवी के छोटी छोटे एक नट बोल्ट को भी मैंने बता दूंगा कि ये किसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, क्यों इंटरव्यू में बहुत आसानी हो जाती है। लोग ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है, वेंटिलेटर का क्या काम है, ठीक है, ब्रेसिंग्स क्यों यूज कर रहे हैं, सैगिंग रॉड क्यों यूज कर रहे हैं, राफ्टर क्यों यूज कर रहे हैं, राफ्टर पे और जो अभी क्लियर स्पैन बताया ना, क्लियर हाइट क्या होती है, ईवे क्या होते हैं, इसी में फंसाते हैं लोग। और मैं इसको कोशिश करूंगा इस हफ्ते भर में पूरा कवर कर दूंगा। कल ट्रसेस के बारे में बताऊंगा, अलग अलग ट्रस कितने स्पैन तक लेके जा सकते हो मैक्सिमम, और उनको क्या बोलते हैं अलग अलग ट्रसेस को, उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी मुझे आना है डाउट लेक्चर में भी, और मेरी चाय भी बन के आ गई है तो मैं पी लेता हूँ। चलिए सबको गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू। और प्लीज़ यार टाइम पर आओ, देखो टाइम पर आओगे ना तो मज़ा ही आता है, कि अगर जो बीच में एंट्री किए होंगे, हो सकता है उनको बीच में थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो प्लीज़ कम ऑन टाइम।
ठीक है, अब किसी का जॉब अगर है तो भाई मैं नहीं बोल सकता हूँ कि अब जॉब छोड़ के मत आ जाना, लेकिन अगर जिसके लिए पॉसिबल है ट्राई टू कम ऑन टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके सर्वेस, मोस्ट वेलकम जी। इसका क्वेश्चन है लेसिंग कॉलम।